है। और अब क्या क्वेश्चन आ सकता है, मान लो क्या क्वेश्चन कर सकता है, क्या क्वेश्चन अब आएगा इस तरीके से, मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए क्या, कंपनी रिक्वायर 590 हॉर्स एड्रेस, मतलब क्या है भाई, 590 हॉर्स को क्रेडिट करने के लिए एड्रेस चाहिए कंपनी को, 590 हॉर्स उसको क्रेडिट करना है। अब इसके लिए बेस्ट सबनेट क्या रहेगा या बेस्ट नेटवर्क क्या होगा, बेस्ट नेटवर्क मतलब क्या होता है, इफिशियंट, इफिशियंट, इफिशियंट नेटवर्क कौन सा होगा बताओ, 590 हॉर्स कनेक्ट करना है तो इफिशियंट क्या होगा, मतलब कितना हॉर्स के लिए कितना बिट चाहिए इसको, ये देखेंगे पहले हम। तो 590 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए भाई, हम हिट एंड ट्रायल से फाइंड करेंगे, क्या 2 पावर 8 करते हैं तो क्या मिलता है, 256 मिलता है, नहीं 590 चाहिए, 2 पावर 9, अच्छा एक सेकेंड, 2 पावर 9 अगर करते हैं तो कितना मिलता है, 512 ही मिलता है, चाहिए कितना, 590 चाहिए, 2 पावर 10 करते हैं तो कितना मिलता है, 1024, मतलब क्या 1024 से मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता क्या चल गया कि 10 बिट्स हम लोग को, 10 बिट्स नीडेड फॉर हॉस्ट, हॉस्ट के लिए 10 बिट्स चाहिए हम लोग को, यही चाहिए ना, 10 बिट्स चाहिए हॉस्ट के लिए, ठीक है। अब हम सबनेट कर रहे हैं, सबनेट का हम बात कर रहे हैं, हॉस्ट में 10 बिट चाहिए, ऑक्टेट कैसा होगा, स्ट्रक्चर यही होगा ना, डॉट 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 डॉट, यही है। यहाँ पर क्या है, 8 बिट्स होता है, 10 चाहिए, मतलब कि यहाँ का भी 2 बिट्स चाहिए, यहाँ का 2 पोजीशन चाहिए होस्ट के लिए, ठीक है, बाकी सबसे नहीं मतलब है। अब बोलो क्या कि 2 पावर 10 है 1024, 2 पावर 11 कितना हो जाएगा, 2048, तो 11 बिट से काम चलेगा क्या, हाँ वो भी चलेगा, लेकिन बहुत सारा बर्बाद हो जाएगा, 10 में सही काम चल रहा है, 9 में क्या देखे, 9 में काम नहीं चल रहा था हम लोग का, क्योंकि 9 का वैल्यू क्या है, 9 में 512 था, हम लोग को नीडेड था 590, तो 9 में नहीं काम चल रहा था, लेकिन 10 का जैसे ही देखते हैं तो 1024 यहाँ से काम चल रहा है, इसमें बर्बादी वेस्टेज कम हो रहा है, क्या करेंगे, यही 10 वाला को हम फॉलो करेंगे, 11 देंगे तभी काम चलेगा, 15 देंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि 2 पावर 15 बहुत बड़ा नंबर होगा, हम लोग को नीडेड है 590, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10 बिट से हम लोग को बेस्ट अगर काम करना है, अगर बर्बाद नहीं करना है आईपी एड्रेस को, तो 10 बिट्स हॉस्ट को देना होगा, ठीक है। तो 10 बिट्स में अगर 2 बिट्स यहाँ से ले ले, ठीक है, तो 2+8 कितना बन गया, ये 2+8 कितना बन गया, ये बन गया 10 बिट्स, ठीक है, ये दोनों का सम क्या बन गया, 10 बिट्स बन गया, ठीक है। रिमेनिंग यहाँ पर कितना है, 8 बिट्स था तीसरा ऑक्टेट में, यहाँ 6 बिट्स रिमेनिंग है ना, यहाँ पर क्या है, 6 बिट्स और है ना, ये 6 बिट कहाँ जाएगा, ये 6 बिट जाएगा सबनेट में, 6 बिट चला जाएगा सबनेट में, ठीक है, 6 बिट सबनेट में चला गया। यहाँ क्या है, जो पर्टिकुलर नेटवर्क कोई भी रहे, जो नेटवर्क है, ठीक है, तो ये गिवन करना है बेस्ट नेटवर्क क्या हो सकता है, ठीक है। बेस्ट नेटवर्क का मतलब क्या, बेस्ट सबनेट हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब देखो क्या है, तो यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि बेस्ट नेटवर्क पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा नेटवर्क से हम दें जिसमें कम से कम बर्बादी हो, कम से कम बर्बादी होना चाहिए, ठीक है, आईपी एड्रेस कम से कम बर्बाद हो, ठीक है। मतलब क्या है कि 10 बिट्स अगर हम 10 बिट्स अगर हम होस्ट को दे देते हैं तब ये अपना काम कर लेगा, तो बाकी सबको नेटवर्क में रख लो, बाकी सबको नेटवर्क में रख लो, तो 10 बिट्स अगर दे दिए मतलब क्या कि थर्ड ऑक्टेट से, थर्ड जो ऑक्टेट है मेरा, थर्ड ऑक्टेट से 6 बिट को
थर्ड ऑर्डर का 6 बिट को इस साइड में रखना है, ठीक है। देखिए मेरे पास में क्लास क्या है, क्लास ए है जिसमें पहला ऑक्टेट नेटवर्क रहेगा, क्लास बी है दूसरा रहेगा, क्लास सी है तीसरा, सबके सब रहता है, तीसरा कंप्लीट रहता है। केवल 6 बिट्स के लिए क्या करना होगा, सबनेटिंग करना होगा, समझ रहे हो बात को। यहाँ क्या है, केवल 6 बिट है जो नेटवर्क में मिलाना है यहाँ पर। अगर सबके सब रहता तो क्लास सी हम मान लेते सीधा, अगर यहाँ पर जीरो रहता, जीरो बिट्स को मिलाना रहता, ये सबके सब होस्ट में रिक्वायरमेंट होता, तब कोई दिक्कत, तब क्लास बी हम बोल लेते सीधा इसको, तब हम इसको क्लास बी सीधा हम बोल लेते। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या मेरे पास में आया हुआ है कि यहाँ 6 बिट्स को नेटवर्क में मिलाना है और 2 बिट्स है जो होस्ट में देना है, तो ये काम कैसे कर सकते हैं, सबनेटिंग करके कर सकते हैं। क्या भाई, बी वाला एड्रेस हम ले लेते हैं, बी में क्या है, ये दोनों नेटवर्क बन गया पहले ही, अब 6 बिट्स को हम इधर मिला लिए, सबनेटिंग हो गया, सबनेट का यही यूज है। अगर एक बी का एड्रेस हम इस कंपनी को देंगे तो बहुत सारा एड्रेस तो बर्बाद हो जाएगा, आईपी एड्रेस, हम या के जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही देंगे हम। सबनेटिंग करने से इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईपी एड्रेसेज होता है, आईपी एड्रेस का एक अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, इसके लिए ही हम लोग सबनेटिंग करते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर क्या, बेस्ट नेटवर्क और सब नेटवर्क, नेटवर्क डायरेक्टली दो या सब नेटवर्क में करके दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहिए हमको बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, यही काम करना है। अब क्या कर रहा है, देखो इसमें क्या किया, अब एक चीज़ तो हम लोग समझ गए, क्या कि अच्छा ये क्लास बी का रहना है, उसमें सबनेटिंग करना है। क्लास बी में इस दोनों में कोई चेंजिंग आएगा क्या, इस दोनों में कोई चेंजिंग नहीं रहा। क्लास बी का पहला ऑक्टेट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बताओ, क्लास बी का पहला ऑक्टेट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, पहला ऑक्टेट 128 से लेकर 191 तक जाएगा, यही है ना, यही लिमिट रहता है ना, ठीक है। तो क्लास बी के लिए अगर हम देखते हैं, क्लास बी के लिए, क्लास बी में होता क्या है, स्टार्टिंग में 01 रहता है, स्टार्टिंग में 10 रहता है, यही चीज होता है, 128 से स्टार्ट करना रहता है इसको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास बी का एक एड्रेस हम लेते हैं, ठीक है, पहला दोनों ऑक्टेट में हम लेते हैं, ठीक है। हम क्या किए, 156.195. अब इस दोनों ऑक्टेट को हम अभी नहीं ले रहे हैं, क्यों, ये ऑक्टेट बाद में मिल जाएगा, बाद में मिलेगा ये, तो अब इसमें सबनेट बनाना है। तो सबनेट बनाने के लिए 6 बिट्स कहाँ जाना चाहिए, नेटवर्क में जाना चाहिए, बाकी सब होस्ट के पास में, ठीक है। हम सबनेट आईडी लिख देते हैं, जिस कंपनी को देना है वो इंटरनली अपना होस्ट को डिवाइड कर लेगा, जितना होस्ट सबको प्रोवाइड कर देगा, हम 10 बिट्स उसको फ्री हम छोड़ देंगे, 10 बिट्स होस्ट के लिए फ्री छोड़ देंगे। हम उसका आईडी लिखते हैं, आईडी में क्या होगा, उसके होस्ट को बिट्स को सबको हम 0 रख लेंगे कि वो खुद अपना वेरिएशन करते रहे, यही करना है ना, 10 बिट्स में वो वेरिएशन करके काम कर लेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको देखो यहाँ पर हम लिखेंगे और इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ जगह बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, और इसके लिए क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। हम जब प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो हम होस्ट वाला बिट्स कितना रखेंगे आईडी में, हम सबनेट आईडी बताएंगे ना उसको, सबनेट आईडी बताएंगे, उसका एक लिमिट होगा होस्ट का, ठीक है, यही तो बताने वाले हैं। हम क्या करेंगे, 0, होस्ट में सब में 0 रहेगा, क्यों होस्ट में 0 है भाई, क्योंकि हम सबनेट आईडी को लिख रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 80 हो गया, अब तक कितना, 8 बिट्स हो गया, 2 बिट्स और चाहिए हम लोग को, यहाँ और यहाँ हम 0 कर ले, ये मेरा किसके लिए है, होस्ट बिट्स है, होस्ट का बिट्स है, ठीक है। अब जो इधर बिट्स है किसके लिए है, ये है सबनेट का बिट्स,
ये सब के सब सबनेट का बिट्स है। कितना सारा सबनेट पॉसिबल होगा? 6 बिट्स का है 2 पावर 6 माइनस 2 इक्वल टू 64 माइनस 2 62 सबनेट्स पॉसिबल है। 62 सबनेट्स पॉसिबल है। ठीक है, होस्ट के लिए कितना पॉसिबल है भाई? 2 पावर, एक सेकंड इसको ब्लू से लिखते हैं, 2 पावर 10 माइनस 2 इक्वल टू 1022 होस्ट, 1022 होस्ट पॉसिबल है। चाहिए कितना था? 590 चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो इतना सबनेट पॉसिबल है, इतना सारा सबनेट पॉसिबल है, इसमें हम क्या वैल्यू इंटर करें? कुछ भी इंटर कर लो, बस सबके सब जीरो, सबके सब ओवन नहीं करना, क्योंकि ये माइनस टू हम क्यों कर रहे हैं? जब सबके सब जीरो रहेगा तो कहाँ जाएगा? नेट आईडी में चला जाएगा। ठीक है, सबके सब ओवन रहेगा तो डीबीए ऑफ द नेटवर्क में चला जाएगा। इस दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी वेरिएशन है यहाँ पर लिख लो, कोई भी वेरिएशन जो मन करता है सो लिखो। ठीक है, हम क्या किए, जीरो, अच्छा रेड से करते हैं, 01001 ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। कौन सा सबनेट को बता रहा है भाई? फाइंड कर लो उसका वैल्यू, उसका वैल्यू फाइंड करो, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक को फाइंड करो। क्या पहला ओवन है? ओवन को बता रहा है। फिर टू प्लस वन थ्री, उसके बाद 480 है, 16 ओवन है, 3 यहाँ से 16 प्लस 3 कितना 19, 19th सबनेट को प्रोवाइड किया गया है। कौन सा सबनेट प्रोवाइड किया गया है? नाइनटीन्थ सबनेट दे दिया गया 19th सबनेट। बहुत सारा सबनेट पॉसिबल है, 62 सबनेट पॉसिबल है टोटल, 62 ऐसा कितना कंपनी को हम दे सकते हैं ये सबनेट? इस तरह का 62 का ऑर्गेनाइजेशन को हम सबनेट दे सकते हैं, जिससे उसका सारा काम हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से आईपी एड्रेस को ज्यादा इफिशियंटली यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। अब एक और चीज हम बता रहे हैं क्या, ये समझ में आ गया? अब हम एक और चीज बता रहे हैं क्या कि जब अभी हम बताए थे चीज, अभी जब हमें बताए क्या, जो एक कंपनी को देना है इतना होस्ट, अच्छा बात है होस्ट देना है कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट और इफिशियंट नेटवर्क चाहिए। चाहिए क्या किए हो, देख लिए क्या कि इतना होस्ट के लिए कितना बिट्स चाहिए? 10 बिट्स मिला, 10 बिट्स को छोड़कर बाकी सब क्या बोल रहे हो? बाकी सब नेटवर्क में जाना चाहिए। तो क्या किए हो, क्लास बी यहां से यहां तक के लिए ले लिए हो और इस 6 को सबनेट मान लिए हो। काम कर गया, अच्छा बात है काम कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चन में एक और रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन में एक और रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, चलो यहां तक ये, हम अपने क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। क्या इफ इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू यूज ओनली क्लास सी आईपी एड्रेस, देन हाउ टू एग्जीक्यूट, कैसे काम करेंगे?
बताओ अभी क्या बोले हो, अभी तक क्या बोले थे, माइंड में सीधा चला क्या कि अच्छा 10 बिट्स यहाँ से यहाँ तक में हो सकता है, तो दो ऑक्टेट सबको हम क्या मानते हैं, नेटवर्क में मानते हैं, क्लास बी मान लिए, 6 को हम एक्स्ट्रा इस साइड में जाकर नेटवर्क एक्वायर कर लिए, ऐसे जाकर हॉस्ट को हम नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या रेस्ट्रिक्शन है, बोल रहा है क्लास सी का ही रहना चाहिए, क्लास सी का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। क्लास सी का मतलब क्या होता है, क्लास सी का मतलब क्या होता है, सिंपल बताओ, पहला तीनों ऑक्टेट नेटवर्क बिट्स रहेगा। क्लास सी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग का तीनों ऑक्टेट क्या रहना चाहिए, नेटवर्क के लिए रहना चाहिए बिट्स, तीन ऑक्टेट, ठीक है, ये तीनों ऑक्टेट नेटवर्क में ही चला जाएगा, बचेगा कितना 8 बिट्स ही बचेगा केवल, 8 बिट्स से कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 255 होस्ट को ही कर सकते हैं, चाहिए कितना 590 चाहिए, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तब क्या करेंगे, तब रिवर्स चलेंगे, क्या सबनेट में क्या कर रहे थे, नेटवर्क बिट्स को एक्सटेंड कर रहे थे ना, होस्ट वाला को हम नेटवर्क कन्वर्ट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, अब हम नेटवर्क वाला को होस्ट में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, हम नेटवर्क वाला को होस्ट में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, समझ रहे हो बात को, अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जो होस्ट है हम नेटवर्क को लेंगे होस्ट में मिला देंगे, नेटवर्क को लेंगे होस्ट में मिला देंगे, बस यही काम करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, मूव होस्ट बिट टू लेफ्ट दैट इज इन थर्ड ऑक्टेट जो कि नेटवर्क बिट्स था, इट्स कॉल्ड, एक सेकेंड लो, सुपर नेटिंग, इसको बोलते हैं सुपर नेटिंग, पिछला क्या था, सब नेटिंग था, एक नेटवर्क को हम डिवाइड कर रहे थे, अब क्या है, मल्टीपल नेटवर्क को हम मर्ज कर रहे हैं, जैसे ही बोल दिए, जैसे हम बोल दिए क्या कि होस्ट को इधर की ओर बढ़ाओ, लेफ्ट बढ़ाओ, तो नेटवर्क वाला बिट्स है जो होस्ट में मिला दो, तो अभी नेटवर्क बिट्स है जो अलग अलग नेटवर्क को बता रहा था, जब इसको हम होस्ट में मिला दिए अब ये होस्ट को बता रहा है, मतलब क्या है, अगर एक बिट यहाँ से हम मिलाते हैं तो एक बिट का मतलब कितना वेरिएशन, दो वेरिएशन, तो दो नेटवर्क को हम मिलाकर एक बना दिए, अगर यहाँ से दो बिट हम मिलाए, दो बिट में कितना वेरिएशन पॉसिबल है, फोर वेरिएशन, 0001 0011, तो चार नेटवर्क को हम एक साथ मिला दिए, यही हुआ ना, हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग कितना चाहिए, 10 चाहिए था ना, टोटल 10 चाहिए था ना, यहाँ पर 8 यहाँ से मिल रहा है बिट्स, दो और चाहिए था, मतलब क्या है कि दो और चाहिए, दो बिट्स और होस्ट में चाहिए, इसका टोटल मतलब क्या हो गया, टू बिट्स का जितना वेरिएशन पॉसिबल है नेटवर्क में वो सब के सब होस्ट में हम मिला दे रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं नेटवर्क को, नेटवर्क को हम मर्ज कर रहे हैं, अब पहले क्या था, हम नेटवर्क को डिवाइड कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क को मर्ज कर रहे हैं एक साथ में, यही होता है सुपर नेटिंग कंसेप्ट, सेम ही यहां भी है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो सबनेट में हम कर रहे थे, कैसे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं होस्ट को, कैसे हम सबनेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सबनेट मास्क को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सेम वही चीज यहाँ भी कंसेप्ट है, बस वहां पर नेटवर्क वाला बिट्स को होस्ट में मिला दे रहे थे, यहाँ पर नहीं, वहां पर क्या था, होस्ट वाले बिट्स को नेटवर्क में मिला रहे थे, यहाँ पर सुपर नेटिंग में क्या करेंगे, नेटवर्क वाले बिट्स को होस्ट में मिलाएंगे, बस यही चेंजिंग है,
ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सुपर नेटिंग है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं सुपर नेटिंग क्या कंसेप्ट है, एक बेसिक समझ में आ गया है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सब नेटिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। और भी देखते हैं क्या कि सब नेटिंग में क्या क्या वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है, सारे वेरिएशन को एक बार देख लेते हैं, सब पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सब पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद में हम लोग सुपर नेटिंग में जाएंगे, ठीक है। अब देखो मेनली अगर देखा जाए तो सबनेटिंग पोर्शन में, सबनेटिंग में यही इतना वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन, इतना ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो इतना ही वैरायटी में से कोई एक वैरायटी आ सकता है, ठीक है। डेटा कुछ और हो सकता है लेकिन वेरिएशन इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारा वेरिएशन इसमें कवर किया हुआ है, सेम वीडियो एक्चुअली पहले से रिकॉर्ड किया जा चुका था, कुछ प्रॉब्लम आया है वीडियो में, एक्चुअली आईपैड का वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, इसका वीडियो है जिसमें लिख रहे हैं, इसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, ये चक्कर में क्या है सेम वीडियो दोबारा हमको बनाना पड़ रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहले से डेटा लिखा हुआ है सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिपीट करते हैं आराम से, एकदम आराम से समझो, जो भी क्वेश्चन है एकदम डिटेल में हम समझाएंगे किस तरीके से क्या प्रोसीड्यूर है, कैसे स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करें क्वेश्चन को, सारा कुछ हम लोग देखेंगे भी यहां पर। देखो अगर बात किया जाए तो पहला वेरिएशन का बात किया जाए, तो मान लो सबनेटिंग का क्वेश्चन है तो क्या एक वेरिएशन पॉसिबल है, जिसमें एक वेरिएशन क्या होता है कि क्लास और सबनेट मास्क गिवन होगा, ठीक है, कौन से क्लास का है और सबनेट मास्क साथ में गिवन होगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन में भाई, आस्किंग नंबर ऑफ सबनेट्स एंड नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट, ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल है पूछेगा, और साथ में एक सबनेट में कितना होस्ट पॉसिबल है, एक सबनेट में कितना होस्ट पॉसिबल है और नंबर ऑफ सबनेट क्या है, ठीक है। अब इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसके लिए क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट को बात कर रहे हैं तो इन क्लास बी सबनेट मास्क इज इतना, सबनेट मास्क मेरे पास गिवन है और क्लास गिवन है क्लास बी में, ठीक है। अब देखना है क्या क्या बताना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितना पॉसिबल है और साथ में नंबर ऑफ होस्ट कितना पॉसिबल है ईच सबनेट के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबनेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबनेट फाइंड करने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ बिट्स को फाइंड कर लें, नंबर ऑफ बिट्स को हम देख लें क्या सबसे पहले कि नंबर ऑफ बिट्स सबनेट के लिए कितना है, मान लो 8 बिट्स दिया गया है सबनेट के लिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबनेट कितना होगा 2^8-2, ठीक है। मान लो 4 बिट्स है सबनेट का तो कितना पॉसिबल है सबनेट 2^4-2, यही होता था। नंबर ऑफ होस्ट का अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए अगर 10 बिट्स गिवन है, ठीक है, तो 10 बिट्स का मतलब कितना होस्ट पॉसिबल होगा 2^10-2, माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, माइनस 2 का रीजन हम पहले बताए थे क्या कि एक आईडी के लिए रहता है, एक आईडी के लिए रहेगा जिसमें सारा होस्ट 0 रहेगा और एक और डीबीए के लिए रहेगा जिसमें सारा होस्ट का बिट्स है जो 1 रहेगा, ठीक है। सेम सबनेट के लिए भी यही चीज होता है, सबनेट के लिए भी यही चीज होता है कि जहां पर सबके सब 0 रहे और जहां सबके सब बिट्स हैं जो सबनेट बिट्स सबके सब 1 रहे, वो दोनों को छोड़कर बाकी सबको हम सबनेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यही बात था। तो अब देखो सबनेट मास्क यहाँ पर गिवन है मेरे पास, सबनेट मास्क गिवन है, इसको क्या करना है, इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करो, बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। तो क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है क्लास बी, क्लास बी गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया कि पहला और दूसरा ऑक्टेट तो पहले से ही नेटवर्क बिट्स का है, क्लास बी में पहला और दूसरा ऑक्टेट से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आना है, थर्ड और फोर्थ में आना है कि सबनेट बिट्स, सबनेटिंग के लिए कितना होस्ट का बिट्स को हम नेटवर्क में कन्वर्ट किए हैं, कितना सारा होस्ट के बिट्स को हम नेटवर्क में कन्वर्ट किए हैं, तो कितना बिट्स को कन्वर्ट किए कैसे पता चलेगा, ये हम लोग को सबनेट मास्क को देखकर पता चलेगा। क्योंकि तो सबनेट मास्क में होता क्या है, मास्क में क्या होता है, जितना भी नंबर ऑफ बिट्स नेटवर्क के लिए सबको 1 बना लेते हैं हम लोग और जो होस्ट के लिए बिट्स है सबको 0 रखते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर देख लें सबनेट मास्क का, तो जहां जहां 1 रहेगा हम समझ लेंगे क्या कि वो नेटवर्क के लिए बिट्स है, ठीक है। जहां 0 रहेगा वहां क्या समझेंगे कि ये होस्ट के लिए है, मास्क को देख कर ही हम पहचान सकते हैं, ठीक है। अब मास्क में देखने में क्या है कि क्लास बी है इसका नेटवर्क मास्क कैसा होगा, सबनेट मास्क नहीं बोल रहे हम, क्या पूछ रहे हैं नेटवर्क मास्क कैसा होगा क्लास बी का,
क्लास बी का नेटवर्क मास्क के लिए हम लोग को पता है क्या कि क्लास बी में पहला ऑक्टेट और दूसरा ऑक्टेट दोनों ही पहला और दूसरा क्या होता है, नेटवर्क के लिए रहता है, नेटवर्क के लिए रहता है। मतलब क्या है, थर्ड में प्रॉब्लम आना है या फिर फोर्थ में आ जाए, ठीक है। यही पर थर्ड में प्रॉब्लम का सेंस क्या है कि थर्ड वाले में कुछ बिट्स है जो नेटवर्क के लिए रहे और कुछ बिट्स होस्ट के लिए रहे। जितना बिट्स भी नेटवर्क के लिए दिया गया होगा वो सबनेट में वन रहेगा, सबनेट मास्क में वो चीज ओवन रहेगा, ठीक है। तो इस सबनेट मास्क को क्या करेंगे हम लोग, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला 255 है और सेकेंड ऑक्टेट भी 255 है, यहाँ पर तो हमेशा ही ओवन रहना है, तो क्लास बी का है, पहला दूसरा ऑक्टेट हमेशा ही ओवन रहता है, ठीक है। तो इसको बाइनरी में क्यों रिप्रेजेंट करें, इसको नहीं करेंगे रिप्रेजेंट, पहले से ही पता है हम लोग को, अंडरस्टूड है ये चीज, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, 255.255, ठीक है। पहला दोनों ऑक्टेट को हम डायरेक्टली ऐसे ही डेसिमल में लिख लिए, ठीक है। अब थर्ड ऑक्टेट जो है और फोर्थ ऑक्टेट, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड और फोर्थ वाले को। तो जब 224 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो क्या मिलेगा, 111 followed by 50, यही मिलेगा, यही रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में इसका। कैसे है भाई, 224 को करना है ना, तो पहला बिट क्या देगा, 128 दे रहा है, अगला क्या 64, उसके बाद क्या 32, तो 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना बनता है, 224 बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जीरो है, जीरो मतलब क्या, सबके सब बिट्स है जो जीरो रहना है, ठीक है। तो यहाँ सबके सब बिट्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इस दोनों ऑक्टेट में, इस दोनों ऑक्टेट में देखो क्या कि कितना सारा बिट्स है जीरो, क्योंकि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअली मास्क का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना, सबनेट मास्क का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या है, जितना भी जीरो रहेगा वो सबके सब होस्ट के लिए यूज होने वाला है, वो सबके सब होस्ट के लिए यूज होने वाला है, जितना वन है वो सबके सब नेटवर्क के लिए यूज करेंगे, यही काम हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, कितना बिट्स वन है भाई, 3 bits 1 है, मतलब क्या है, सबनेट बिट्स कितना हो गया, 3 bits हम होस्ट से लेकर नेटवर्क में दे रहे हैं, 3 bits को हम होस्ट से लेकर नेटवर्क में दे रहे हैं, मतलब क्या, सबनेट बिट्स कितना हो गया, 3 हो गया, सबनेट बिट्स 3 हो गया, तो नंबर ऑफ सबनेट कितना पॉसिबल होगा, 2 power 3 minus 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबनेट की अगर बात किया जाए तो क्या मिल गया हम लोग को, नंबर ऑफ बिट्स फॉर सबनेट देखेंगे तो 3 bits है, नंबर ऑफ सबनेट क्या है, 2 power 3 minus 2, वैल्यू कितना आया, 6, मतलब कि 6 subnet पॉसिबल है, नंबर ऑफ सबनेट 6 पॉसिबल है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर होस्ट का हम बात करें, होस्ट के लिए देखो कितना बिट्स है, होस्ट के लिए कितना बिट्स है, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 8 plus 5 13, मतलब 13 बिट्स से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं होस्ट को, ठीक है। तो नंबर ऑफ होस्ट कितना हो गया, 13 बिट्स होस्ट के लिए है, तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ये सबके सब जो वेरिएशन है, एक वैल्यू जो रहेगा इसका, एक जो वेरिएशन है 3 बिट्स का, एक वेरिएशन के लिए यहाँ होस्ट का इतना सारा वेरिएशन पॉसिबल होगा, इसमें कितना वेरिएशन पॉसिबल होगा 13 बिट्स में, 2 power 13 minus 2 क्यों कर रहे हैं, 2 power 13 minus 2 करेंगे क्यों, आईडी और डीबीए के लिए, सबके सब जीरो रहे तो आईडी में चला जाएगा, सबके सब वन रहे तो डीबीए में जाएगा, किसका डीबीए, सबनेट का डीबीए, सबनेट का डीबीए में जाएगा ये, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पर, कितना होस्ट पॉसिबल है, 2 power 13 minus 2, ईच सबनेट, हर एक सबनेट में पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट अगर बात करें तो 2 power 13 minus 2 पॉसिबल है। 2 पावर 13 का वैल्यू क्या हो गया, 8192 कितना वैल्यू मिला हम लोग को, 8190 हॉस्ट है जो ईच सबनेट में रहेगा। अब बोलो क्या कि ईच सबनेट में 2 माइनस करना है क्या, हाँ, हर एक सबनेट में टोटल जो वेरिएशन पॉसिबल है यहाँ पर 2 पावर 13 है, लेकिन हर एक सबनेट का, ईच सबनेट का एक अपना आईडी होगा, एक डीबीए होगा, क्योंकि सबनेट मतलब क्या है, सबनेट भी एज ए नेटवर्क ही तो बिहेव कर रहा है, सबनेट भी जो है एज ए नेटवर्क ही बिहेव कर रहा है। हम सबनेटिंग एक बड़ा सा नेटवर्क था जिसको हम फर्दर डिवाइड किए सबनेटिंग के हेल्प से, और उसमें जो सब नेटवर्क बना है, सब नेटवर्क बना है, उसको हम क्या किए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर दिए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर दिए, ठीक है। तो भी एक नेटवर्क जैसा ही बिहेव कर रहा है, सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेटवर्क जैसा ही है, मतलब कि
सबका एक आईडी रहना है जिससे हम उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को हम पहचान सकते हैं, उसके साथ में डीबीए रहना है अगर ब्रॉडकास्टिंग करना रहे किसी और नेटवर्क से उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या करेंगे, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे होस्ट को कुछ अगर पैकेट सेंड करना रहे तो क्या होगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करेंगे, तो डीबीए भी एक है, सबके सब सबनेट में एक आईडी है और एक डीबीए है, ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल देख लिए हम लोग क्या कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितना पॉसिबल होगा और नंबर ऑफ होस्ट कितना पॉसिबल होगा, ये दोनों फाइंड करने क्या क्या डेटा हम लोग को चाहिए था, एक तो क्लास बी दिया गया था, क्लास ऑफ द एड्रेस दिया गया था, एक और क्या है सबनेट मास गिवन था, इस दो डेटा से हम लोग नंबर ऑफ सबनेट और नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, ये सारा जानते हो, सारा का सारा सॉल्व किए थे, सारा क्वेश्चन लिखकर हम सॉल्व किए थे, लेकिन वो वीडियो खराब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया हुआ समझ में आएगा, हम समझा रहे हैं, हम समझाएंगे ना, हर चीज हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में, सेकेंड वाले क्वेश्चन में, सेकेंड में देखो क्या है, आईपी एंड सबनेट मास्क गिवन है, आईपी एड्रेस और एक सबनेट मास्क गिवन है, क्या पूछा जा रहा है भाई, सबनेट आईडी क्या है, सबनेट नंबर क्या है, मतलब गिवन आईपी एड्रेस है जो कौन से सबनेट नंबर को बिलोंग कर रहा है, जैसे यहां पर क्या देखे थे, पहला क्वेश्चन में क्या देखे थे कि आस्किंग नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ सबनेट कितना था, 2^3-2, 6 सबनेट पॉसिबल है, पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, इस तरीके से पॉसिबल है। पहला सबनेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो सबनेट का बिट्स है 3 बिट्स है, इसमें 1 को रिप्रेजेंट करो, क्या बनेगा 0 0 1, ये पहला सबनेट हो गया। 2 को अगर रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0, ये दूसरा सबनेट हो गया। अगर 3 रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 1, 3 रिप्रेजेंट कर लिए। 4 करना है तो 1 0 0, ये फोर्थ सबनेट हो गया। अब इसके लिए होस्ट का जो भी वेरिएशन है काउंट कर लो, होस्ट के लिए जितना वेरिएशन है, होस्ट के लिए क्या होगा, यही जो वेरिएशन 2^13-2 गिवन है, यही होगा वेरिएशन, ठीक है, तो ये हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पूछा जा रहा है कि गिवन जो आईपी एड्रेस है कौन से सबनेट को बिलोंग कर रहा है, सबनेट नंबर मतलब क्या है, कौन से सबनेट को बिलोंग कर रहा है। प्लस में क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना है, पर सबनेट कितना होस्ट पॉसिबल है यहाँ पर, फिर साथ में डीबीए ऑफ द सबनेट, उस सबनेट का डीबीए क्या है, डीबीए भी फाइंड करना, मतलब कि सबनेट आईडी और डीबीए दोनों फाइंड करने आना चाहिए। साथ में पर्टिकुलर होस्ट ऑफ एनी नंबर्ड सबनेट, इसका मीनिंग क्या है कि मान लो हम बोल दें जैसे अभी यहां पर 2^3-2 सबनेट पॉसिबल था, मतलब क्या कि 6 सबनेट पॉसिबल है, अगर हम बोल दें कि 5वां सबनेट का 5th सबनेट का 30वां होस्ट हम लोग को चाहिए, किसका, 5वां सबनेट का, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, सिंपल जानो इसका लॉजिक क्या है, जो सबनेट के लिए बिट्स है यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट करो, कैसे कर सकते हैं, 1 0 1, इसे 5 रिप्रेजेंट हो गया 3 बिट्स में, ठीक है, यहाँ 5 को हम रिप्रेजेंट कर लिए, और होस्ट में क्या बोल रहा है 30 को रिप्रेजेंट करो, जो होस्ट के लिए बिट्स है उसमें 30 को रिप्रेजेंट कर लो, 30 को रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे ही 30 को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें किस तरीके से होगा, देखो ये कहाँ 32, यहाँ देखो 128 को 0 लेना है, 64 भी 0 लेना है, 32 भी 0 लेना है, 16 को 1 लिए, फिर 8 को 1 ले लिए, 16 8 24, 6 और बचा है, फिर यहाँ पर 4 को 1 लिए, 2 को 1 लिए, लास्ट वाले को 0 ले लिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पर इस ऑक्टेट का वैल्यू फाइंड कर लो, कितना आएगा 30 आएगा, 30 को ही तो रिप्रेजेंट किए हैं अभी हम, 30 आ गया, यहाँ पर क्या है सबके सब 0 है, इसका वैल्यू क्या बनेगा भाई, तो ये इस ऑक्टेट में अगर देखा जाए तो अब इस 1 का वैल्यू 128 हो गया है, और इस 1 का वैल्यू कितना बन गया 32 बन गया है इस ऑक्टेट में। हम तो रिप्रेजेंट किए थे 1015 के लिए, लेकिन मेरा सबनेट बिट्स यही 3 था ना, बाद का तो 5 बिट्स और है इस ऑक्टेट में, टोटल ऑक्टेट का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या बनेगा 128 + 32, 160 हो गया, मतलब क्या 160.30, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा सबनेट है, 5th सबनेट का 30th होस्ट का एड्रेस बनेगा। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, कोई भी क्लास बी का एड्रेस ले लो, मान लो ऐसा लेते हैं 160.55
डॉट 160 यहां भी आना है डॉट 30, ठीक है। ए मेरा क्या बन गया, ए मेरा क्या बन रहा है, फिफ्थ सबनेट का 30th होस्ट, तीसवा होस्ट, पांचवा सबनेट का तीसवा होस्ट के लिए ये एड्रेस है, ठीक है। इस मास्क गिवन है, इस मास्क के अकॉर्डिंग, ये मास्क जो गिवन है ऑलरेडी, इस मास्क के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नहीं समझ में आ रहा है तो रिप्ले करो, एक बार रिप्ले करो, समझ में आएगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या गिवन है अगला क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, आईपी एंड सबनेट मास्क गिवन, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क को गिवन है, और साथ में इतना सारा डिटेल है जो हम लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, देखो एक आईपी एड्रेस गिवन है, एक आईपी एड्रेस गिवन है और एक सबनेट मास्क गिवन है, ठीक है। दोनों चीज गिवन है, एक आईपी एड्रेस गिवन है और एक सबनेट मास्क गिवन है। तो बताओ सबनेट मास्क गिवन है, आईपी एड्रेस गिवन है, इससे हम क्या पहचान सकते हैं, आईपी एड्रेस में पहला 185 है, इसका मतलब क्या हो गया, क्लास बी का है एड्रेस, क्लास बी का है। अब देखते हैं सबनेट मास्क को, हम देखते हैं सबनेट मास्क क्या है, 255.255.224.0। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, ये जो सबनेट है इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आईपी एड्रेस है इसको भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखें मास्क को एक बार ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है, लास्ट में जीरो है, मतलब क्या है, लास्ट वाले में जितना भी 8 बिट्स है लास्ट ऑक्टेट में सबके सब होस्ट के लिए है, सबके सब होस्ट के लिए है लास्ट ऑक्टेट में। प्रॉब्लम कहां पर आने वाला है, प्रॉब्लम थर्ड वाले में आने वाला है, जहां पर कुछ बिट्स रहेगा जो सबनेट के लिए भी रहेगा, कुछ बिट्स है जो होस्ट के लिए रहेगा, ठीक है। तो हम बस इसको ही कन्वर्ट करते हैं, 224 को ही बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, सबको हम क्यों करें, इसको क्या करेंगे, इसमें करेंगे अगर 00 को तो सबके सब 0 बन जाएगा, इसके पहले क्या है सबके सब 1 रहेगा, ठीक है। तो जहां पर मिक्स हो रहा है बस उसको ही कन्वर्ट करो, सबको करेंगे कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम बर्बाद क्यों करेंगे, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन पर आना चाहते हैं। तो क्या है, थर्ड वाले को कन्वर्ट करो, थर्ड में क्या है 224 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में कैसे होगा, 128+64+32 कितना बन गया, 224 बन गया, बाकी सब 0 रहेगा, ठीक है। ये हम लोग तीसरा ऑक्टेट जो सबनेट मास्क का है ये हम कन्वर्ट कर लिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि ये तीनों 1 है स्टार्टिंग का और बाद में फॉलोड बाई 50, मतलब क्या है, ये 50 है किसके लिए होगा, ये होस्ट के लिए रहा होगा, ये 50 है जो होस्ट के लिए रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 31 है ये किसके लिए रहा होगा, ये सबनेट के लिए रहा होगा, ये नेटवर्क के लिए रहा है, यही रहा है ना, मास्क को देख रही तो पता चलता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबनेट कितना बिट्स का है, 3 बिट्स का है, ये कन्फर्म हो गया है। मतलब क्या, अब इस होस्ट, ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है, इसको जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो लास्ट में देखो 25 है, हम लोग को पर्पस क्या है, हम लोग का पर्पस क्या है, सबनेट आईडी को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबनेट आईडी को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं भाई, जो आईपी एड्रेस है उसको सबनेट मास्क के साथ में एंड ऑपरेशन कर लो, बाइंडिंग में पहले कन्वर्ट कर लो और साथ में एंड ऑपरेशन कर लो, एंड ऑपरेशन जैसे ही करेंगे हम लोग को आईडी मिल जाएगा, हम लोग को सबनेट आईडी मिल जाएगा, यही काम करना होता है, ठीक है। तो यहां देखो लास्ट में 25 है, लास्ट में 25 है, यहाँ लास्ट में 0 है, मतलब क्या है, ये सबके सब 0 है, जब इस 25 का जब हम यहाँ करेंगे एंड ऑपरेशन दोनों को बाइंडिंग में कन्वर्ट करके, यहाँ तो हमेशा ही 0 है, अगर एक इनपुट अगर 0 रहता है तो दूसरा इनपुट कुछ भी रहे, 0 रहे 1 रहे क्या फर्क पड़ता है, आउटपुट में 0 ही आना है, ठीक है। तो लास्ट वाले का तो पता चल गया हम लोग को कि लास्ट में हमेशा ही 0 ही आएगा, ठीक है। अब थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड में क्या है, 87 को हम कन्वर्ट किए, यहाँ पर क्या किए, बाइंडिंग में कन्वर्ट किए, 224 के भी यहाँ पर बाइंडिंग में कन्वर्ट किए, इस दोनों के साथ में एंड ऑपरेशन कर लो, दोनों के साथ में एंड ऑपरेशन करो, यहाँ पर क्या देखेगा कि लास्ट का जो 5 बिट्स है ये सबके सब 0 है, सबके सब 0 है, मतलब क्या है, इसका भी 5 बिट्स जो लास्ट का रहेगा ये सबके सब 0 बनना है, ठीक है। लास्ट के 5 बिट्स को क्या किए हम लोग, 0 बना लिए। अब आए स्टार्टिंग के 3 बिट्स में आए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग का 3 बिट सबनेट के लिए है, सबके सब 1 है, ये किस पर आउटपुट डिपेंड करेगा, ये आउटपुट है जो पहला इनपुट पर डिपेंड करेगा, यहाँ क्या है 010 है, सेम यही चीज 010 कॉपी हो गया,
क्योंकि एंड ऑफ प्रश्न करेंगे, देखो पहला जीरो को वन के साथ किए तो जीरो मिल गया, फिर वन को वन के साथ किए वन मिल गया, फिर जीरो को वन के साथ किए जीरो मिल गया, बाकी सब जो क्या है जो भी यहाँ पर पांच बिट्स है यहाँ पर जीरो है ही एक इनपुट, तो हमेशा ही जीरो मिलेगा, ये पांचों जीरो हो गया। तो आप जो यहाँ एंड ऑपरेशन करके लाए हैं हम लोग, एंड ऑपरेशन जो किए हैं ये क्या बताएगा हम लोग को, सबनेट आईडी बताएगा। अब क्या बताएगा, सबनेट आईडी को बताएगा, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू है भाई, इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, देखो पहला 128 का बिट क्या है, जीरो है, अगला क्या है 64 वाला केवल वन है, बाकी सब जीरो है, मतलब कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या बन गया, डेसिमल वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ क्या मिलेगा 64 मिल गया हम लोग को, ठीक है। पहला दोनों ऑकेट में कोई चेंजिंग करना है क्या, कुछ नहीं करना है, जो आईपी एड्रेस में है उसको ही कॉपी कर लो। क्यों कॉपी कर रहे हैं डायरेक्टली भाई, डायरेक्टली नहीं करना, करना हम लोग को एंड ऑपरेशन था, ठीक है, लेकिन एंड हम क्यों करने जाएंगे, यहाँ पता है पहले से ही कि यहाँ 255 है सबके सब वन है, यहाँ भी 255 है सबके सब वन है, मतलब कि यहाँ जो रहा होगा आईपी में दोनों ऑकेट यही चीज यहाँ आने वाला है एंड ऑपरेशन के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 185.56.64 कहाँ से आया, एंड ऑपरेशन करने के बाद में आया है हम लोग को, लास्ट में क्या है जीरो आना है, क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि मास्क में यहाँ पर जीरो है, तो इसका 25 को अगर हम करते हैं एंड ऑपरेशन दोनों को बाइनरी में लेकर तो हमेशा ही जीरो मिलेगा, तो ये मिल गया हम लोग को जीरो, ये क्या बन गया, ये सबनेट आईडी बन गया है, ये सबनेट आईडी बन गया है, ठीक है। तो आईडी हम लोग फाइंड कर लिए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो आईडी फाइंड किए हैं ये आईडी किसका है, किसका सबनेट आईडी है, क्योंकि जितना भी सबनेट पॉसिबल है सबका अपना अपना आईडी होगा, सबका अपना अपना डीबीए होगा, ठीक है। तो ये जो आईडी फाइंड किए ये किसका आईडी है, ये आईडी उसी सबनेट का है जिस सबनेट को ये गिवन आईपी एड्रेस बिलोंग कर रहा है, ये आईडी है, ये जो सबनेट आईडी है उस सबनेट का है जिस सबनेट को कौन बिलोंग कर रहा है, ये गिवन आईपी एड्रेस बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा, सिंपल देखो यहाँ 3 बिट सबनेट के लिए है ना, टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितना पॉसिबल होगा, 2 पावर 3 माइनस 2, ठीक है। इस 3 बिट का जो भी वेरिएशन रहेगा उससे ही हम सबनेट नंबर को बता सकते हैं कौन सा नंबर का सबनेट है, ठीक है। तो 3 बिट्स इसमें लो, इसका जो एंड ऑपरेशन के बाद में आया है 3 बिट्स यहाँ लेते हैं, 3 बिट से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ये 3 बिट्स क्या है, पहला जीरो है, वन है, जीरो है, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू मिलेगा 2, मतलब क्या है सेकेंड सबनेट को ये बिलोंग कर रहा है गिवन आईपी एड्रेस, गिवन आईपी एड्रेस है जो सेकेंड सबनेट को बिलोंग कर रहा है और सेकेंड सबनेट का ही ये आईडी है, ये आईडी किसका है, सेकेंड सबनेट क्या है, यहां पर ऐसा लिख भी सकते हैं, सेकेंड सबनेट आईडी, एवर आईपी बिलोंग्स टू सेकेंड सबनेट, ठीक है। अब कैसे हम फाइंड किए सेकेंड सबनेट को बिलोंग कर रहा, जब हम एंड ऑपरेशन किए हैं यहां पर, एंड ऑपरेशन किए हैं तो क्या मिला है, यही आउटपुट मिला है हम लोग, इसमें हम देख लिए कि ये स्टार्टिंग का 3 बिट्स कौन से सबनेट को बता रहा है, 010 है, सेकंड 2 वैल्यू है, वैल्यू 2 है, मतलब क्या है सेकंड सबनेट को ये बता रहा है, मतलब कि गिवन आईपी एड्रेस सेकंड सबनेट को बिलोंग कर रहा है और सेकंड सबनेट का आईडी क्या है, यही है। इसका डीबीए कैसा होगा, इसका डीबीए कैसा होगा, लास्ट में जो जीरो है ये 255 बन जाएगा डीबीए में, जितना भी होस्ट है सबको ओवन कर लो, ये 255 बन गया, यहाँ पर जो 5 बिट है इसको भी ओवन करो क्योंकि ये भी तो होस्ट का बिट्स है, ये सबको ओवन करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर देखो 32 है ना, यहाँ तक 32 आता है, इसके बाद में सबको ओवन करेंगे 31 रहेगा, मतलब क्या 64 प्लस 31 95,
इसका DBA क्या बनेगा, इसका अगर DBA का हम बात करते हैं, हाँ देखो यहाँ गिवन है, यहाँ पर देखो DBA ऑफ सबनेट, इसका DBA को बताया गया है क्या है 95.255, यही DBA बन गया। तो जिस सबनेट को मेरा IP एड्रेस बिलोंग कर रहा है इसका ID भी हम फाइंड कर लिए और इसका DBA भी हम फाइंड कर लिए। नंबर ऑफ सबनेट कितना पॉसिबल है भाई, 2^3 - 2 मतलब कि 6, 6 सबनेट पॉसिबल है। साथ में क्या है, गिवन IP बिलोंग्स टू सेकेंड सबनेट, अच्छा यहाँ लिखा हुआ ही है। अरे बताया ना सेम चीज को हम सॉल्व किए हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगा, एकदम 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो गिवन IP एड्रेस किसको बिलोंग कर रहा है, सेकेंड सबनेट को। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना होगा भाई, तो देखेंगे नंबर ऑफ बिट्स कितना है होस्ट के लिए, होस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना है, होस्ट के टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना है, यहाँ पर 5 बिट है, इस ऑक्टेट में 5 बिट है, इसके बाद वाले में 8 है, 8 + 5 = 13 bits, मतलब नंबर ऑफ होस्ट अगर हम बात करते हैं 2^13 - 2 इतना होस्ट ईच सबनेट को बिलोंग करेगा, इतना होस्ट ईच सबनेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ऐसा बोल दे, ऐसा अगर बोल दिया जाए कि फिफ्थ सबनेट का ID क्या होगा, फिफ्थ सबनेट का ID क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, तो सबनेट के लिए बिट्स यहाँ पर 3 बिट्स है ना, यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट करो, कैसे करेंगे भाई, 3 बिट में 5 कैसे रहेगा, 4 यहाँ 0 यहाँ 1, ठीक है 101 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस 101 का इस ऑक्टेट में अब क्या वैल्यू बनेगा, पहला है 128 वैल्यू आएगा, ये क्या है 32 वैल्यू आएगा, तो 128 + 32, बाकी सब तो 0 है कोई दिक्कत नहीं है, तो 128 + 32 कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है। तो इसका है जो फिफ्थ सबनेट का कितना बना, 160.0 बना, क्या बन गया फिफ्थ सबनेट का आईडी बन गया ये, क्योंकि तो लास्ट वाले में 0 ही लेना है, हॉस्ट बिट सबको 0 ही लेना है, ठीक है। अब इसका फिफ्थ सबनेट का DBA कैसा होगा, DBA कैसा होगा, तो DBA के लिए 101 लिए थे, बाकी सबको भी 01 बना लो, बाकी सब हॉस्ट वाले बिट्स को 01 बना लो, यहाँ पर ये थर्ड ऑक्टेट का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या था 160 मिल रहा था, ठीक है। अब इसके बाद का ये वैल्यू कितना जनरेट करेगा, ये वैल्यू कितना जनरेट करेगा, इसका वैल्यू 32 होगा, 5 बिट्स 01 रहे तो नहीं 31 होगा, इसका वैल्यू क्या है 31 होगा, तो 160 पहले से था 31 और 160 + 31 = 191 हुआ, मतलब क्या इसका DBA 191 थर्ड वाले में आ गया और लास्ट ऑक्टेट क्या रहेगा, वो तो 255 रहेगा ही, क्योंकि वहाँ सबके सब हॉस्ट बिट्स ही है, तो यहाँ क्या हो गया 255 हो गया। तो फिफ्थ सबनेट का ID भी हम फाइंड कर लिए और DBA फाइंड कर लिए, मतलब किसी भी सबनेट का ID और DBA हम ये इनपुट से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में अगर बोल दिया जाए कि मान लो 12th होस्ट ऑफ 6 सबनेट चाहिए, ठीक है, छठा सबनेट का 12वां होस्ट हम लोग को चाहिए, छठा सबनेट का 12वां होस्ट हम लोग को चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, यहां पर क्या करेंगे, इस 3 बिट में इस 3 बिट जो सबनेट का है यहां पर क्या रिप्रेजेंट करना है, 6 को रिप्रेजेंट करना है, क्यों भाई, क्योंकि यहां पर 6 सबनेट का बात कर रहा है, छठा सबनेट का बात कर रहा है, ठीक है। 6 को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, 4 + 2 = 6 0, 110 हो गया। इसके बाद में क्या है, होस्ट कौन सा चाहिए, 12th होस्ट चाहिए, 12th होस्ट के लिए देखो 5 बिट्स ये होस्ट का है डॉट, इसके बाद में फिर से 8 बिट्स है ना, तो 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए होगा, लास्ट वाले ऑक्टेट में ही हो जाएगा, थर्ड ऑक्टेट में तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या बनेगा, 128 + 64 मतलब 192 वैल्यू आ गया, थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू मेरा क्या बन गया, 192 मिल गया है हम लोग को, ठीक है। फोर्थ ऑक्टेट में हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 12 को ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो लास्ट ऑक्टेट का वैल्यू क्या रहेगा, 12 ही रहेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, 8 बिट्स में 12 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्या भाई 16 तक तो नहीं रहेगा, तो 128 0 रहेगा, 64 0 रहेगा, 32 0 रहेगा, 16 भी 0 रहेगा, उसके बाद में 8 आया 1 कर लो, 4 आया 1 कर लो, 8 + 4 = 12 हो गया, बाकी दोनों को 0 कर लिए, यही वैल्यू आ गया फोर्थ ऑक्टेट का,
इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 12 है, और इसका वैल्यू क्या बन गया था, इसका वैल्यू 192.12। स्टार्टिंग का तो सेम ही रहना है जो पहले आईपी एड्रेस में गिवन है, यही है 185.56। तो क्या बन गया 185.56.192.12। ये कौन सा बन गया, 12th होस्ट ऑफ 6th सबनेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझ में आएगा, समझो, थोड़ा भी डाउट लग रहा है रिप्ले कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सेम चीज को क्या है, जो ए जो लिए हैं 192 ए जो है 12th होस्ट ऑफ 6th सबनेट, इसी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहां पर किया गया है। ठीक है, कैसे भाई, 6 की है, 110 से 6 बन गया, ए ऑक्टेट मेरा ओवर हो गया, लास्ट वाले में 12th होस्ट करना है, यहाँ पर 11 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। ए वैल्यू दे दिया 12, ए वैल्यू दे दिया 192। तो किसी पार्टिकुलर सबनेट का किसी पार्टिकुलर होस्ट के लिए अगर पूछा जाए कि आईपी एड्रेस बताओ, वो हम बता सकते हैं। पहला दोनों ऑक्टेट कहाँ से आएगा, पहला दोनों जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड आईपी एड्रेस है वहाँ से ही आएगा, जो पहले से आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड है उससे ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा ओवर हो गया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में। थर्ड और फोर्थ में देखो क्या है, थर्ड और फोर्थ में क्या है, डिफरेंट आईपी एड्रेस गिवन रहेगा और एक सबनेट मास्क गिवन रहेगा। क्या पूछा जा रहा है, इसमें से कौन कौन सा आईपी एड्रेस सेम सबनेट को बिलोंग कर रहा है, कौन कौन सा आईपी एड्रेस डिफरेंट सबनेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, मल्टीपल आईपी एड्रेस गिवन है, यहाँ भी मल्टीपल गिवन है, यहाँ भी मल्टीपल आईपी एड्रेस गिवन है, एक सबनेट मास्क गिवन है, दोनों का इनपुट सेम है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आस्किंग विच आईपी बिलोंग्स टू विच सबनेट नंबर। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कौन कौन सा आईपी सेम सबनेट को बिलोंग कर रहा है, कौन कौन डिफरेंट को बिलोंग कर रहा है। अब जो सेम को कर रहा है तो वो भी साथ में बता दो कौन सा सबनेट नंबर को बिलोंग कर रहा है, वहां से हम सबनेट नंबर भी बता सकते हैं कि गिवन आईपी एड्रेस कौन से सबनेट नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कैसे हम बताएंगे भाई, एक आईपी एड्रेस गिवन है, एक मास्क गिवन है, हम कैसे बताएंगे कि कौन सा सबनेट को बिलोंग कर रहा है, क्या हम करेंगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दोनों का कर लेंगे, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन कर लेंगे, हम लोग को सबनेट आईडी मिल गया है। आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का अगर हम एंड ऑपरेशन करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद, तो क्या मिलेगा हम लोग को, सबनेट आईडी मिलता है। सबनेट आईडी क्या बताएगा, सबनेट नंबर को बता देगा। अगर सेम सबनेट आईडी है मल्टीपल आईपी एड्रेस का, मतलब क्या बोलेंगे कि सेम सबनेट को दोनों मल्टीपल आईपी एड्रेस बिलोंग कर रहा है। अगर डिफरेंट है सबका तो क्या बोलेंगे कि सेम सबनेट को कोई भी नहीं बिलोंग कर रहा है, सबके सब डिफरेंट सबनेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यही चीज है। अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या, देखो यहाँ गिवन क्या है, एक आईपी वन, एक आईपी एड्रेस यहाँ गिवन है, आईपी एड्रेस टू गिवन है, आईपी एड्रेस थ्री गिवन है। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, 165 है सबनेट, मतलब क्या है, क्लास बी का है आईपी एड्रेस, एक किसका है, क्लास बी का है, साथ में एक सबनेट मास्क भी गिवन है, साथ में सबनेट मास्क गिवन है। अब क्लास बी का जब आईपी एड्रेस है, देखो यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है। ठीक है, अगर मान लो पहला ऑक्टेट और दूसरा ऑक्टेट में ही कुछ डिफरेंट रहा, ठीक है, मान लो ये दोनों का ऑक्टेट कुछ और रहे और इसका पहला दोनों ऑक्टेट कुछ और रहे, तो डायरेक्टली बोल देंगे कि ये दोनों आईपी वन और आईपी थ्री सेम को बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि तो ये दोनों क्या है, नेटवर्क को ही बता रहा है ना, तो नेटवर्क ही अगर डिफरेंट है तो सबनेट कैसे सेम हो जाएगा, सब नेटवर्क कैसे सेम हो सकता है, कभी नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन में क्लोज देगा, मतलब क्या, सबनेट का ही चेंजिंग रहे, सेम नेटवर्क सेम रहे, सबनेट का केवल डिफरेंट रहे। ठीक है, तो क्या किया, पहला दोनों ही ऑक्टेट सेम गिवन है, पहला दोनों ऑक्टेट सेम गिवन है, चेंजिंग कहाँ आया है, देखो थर्ड में और फोर्थ में, थर्ड वाले और फोर्थ में चेंजिंग आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर मास्क जो गिवन है, जो मास्क गिवन है यहाँ पर दिख रहा है हम लोग कि ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है 165 है, मतलब क्लास बी का है, क्लास बी का आईपी एड्रेस है। मास्क कैसा है, मास्क भी क्लास बी का है, इसका मतलब क्या है, पहला दोनों में तो वन सबके सब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वाले का प्रॉब्लम है, थर्ड और फोर्थ में हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ फोर्थ में क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, फोर्थ में क्या दिख रहा है, फोर्थ भी जीरो है, मतलब क्या है, फोर्थ ऑक्टेट में जितना भी बिट्स है सबके सब होस्ट के लिए है, फोर्थ ऑक्टेट में जितना बिट्स है सबके सब होस्ट के लिए है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, थर्ड ऑक्टेट में आएगा, जहां पर कि कुछ बिट्स रहेगा जो होस्ट के लिए रहेगा, कुछ बिट्स है जो सबनेट के लिए रहेगा, यही प्रॉब्लम है। हम क्या किए, इस सबनेट मास्क का थर्ड ऑक्टेट को हम कन्वर्ट कर लिए बाइनरी में,
क्या मिल रहा है, 224 है ना, मतलब क्या 128 प्लस 64 प्लस 32, 128 बार इसे 224 बन रहा है, ठीक है, बाकी सब के सब जीरो रहेगा, मतलब ये क्या है, यहाँ जो बिट्स है ये होस्ट के लिए है, यहाँ जो बिट्स है जो सबनेट के लिए है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब सेम यही काम हम किए हैं, क्या यही काम हम किए हैं, देखो जब मास्क यहाँ पर जीरो है, जीरो है मतलब क्या है, ये आईपी एड्रेस का भी फोर्थ ऑक्टेट को कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ जब एक इनपुट जीरो मिलेगा तो ये सबके सब सबनेट आईडी में जीरो बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थर्ड वाले का प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर कुछ वन है कुछ जीरो है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एंड ऑपरेशन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करेंगे भाई, यहाँ 99 है ना, इसको हम कन्वर्ट किए बाइनरी में, यहाँ पर 93 है इसको हम बाइनरी में किए, सेम ऐसे ही 91 को भी हम बाइनरी में किए, ठीक है, ये तीनों को हम क्या किए, तीनों को हम बाइनरी में कन्वर्ट यहाँ से कर लिए, ठीक है। अब करना क्या है, अब एंड ऑपरेशन लेना है, एक एक करके एंड ऑपरेशन करना है, किसके साथ, मान लो IPO1 के साथ हम करते हैं, IPO1 के साथ में करते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेशन, इसका आउटपुट क्या मिलेगा एंड ऑपरेशन के बाद में, क्या आउटपुट मिलेगा भाई, पहला तीन बिट्स है, पहला तीन बिट्स है जो एज इट इज रह जाएगा, बाकी के सबके सब जीरो है, मतलब बाकी सब जीरो बन गया, बाकी सब जीरो बन गया। अब बताओ ये कौन सा सबनेट का आईडी है, कैसे देखेंगे, सबनेट बिट्स को हम देखेंगे, कितना बिट्स है सबनेट में, सबनेट में 3 बिट्स है, 3 बिट सबनेट में है, इसका मतलब क्या है, 3 बिट जो होगा इस आईपी एड्रेस का, थर्ड ऑक्टेट का पहला तीनों बिट क्या बता रहा होगा, नंबर सबनेट नंबर को बता रहा होगा, ठीक है, इसका क्या वैल्यू है 3 बिट के लिए, 0101 का वैल्यू क्या बनता है, 2+1 3, इसे 2 मिल गया, इसे 1 मिल गया, 2+1 3, मतलब कि ये थर्ड सबनेट को बिलोंग कर रहा, पहला जो आईपी एड्रेस है, पहला जो आईपी एड्रेस है ये किसको बिलोंग कर रहा है, थर्ड सबनेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड वाला आईपी को हम देखते हैं, सेकेंड का देखो बाइनरी कन्वर्शन यहाँ है, यहाँ पर भी देखेंगे इस 3 बिट्स को देखेंगे क्या है, 0 1 0, मतलब सेकेंड सबनेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या देखेंगे, पूरे के पूरे एंड ऑपरेशन करने का भी जरूरत नहीं है, एंड ऑपरेशन करना है उसे ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबको करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, पहले ही पता चल जाएगा हम लोग, कैसे पता चल रहा है भाई, यहाँ पर सबनेट बिट्स हम देख लिए इससे कि सबनेट बिट्स कितना है, 3 है, बस 3 बिट्स को रीड कर लो, 3 बिट्स को केवल रीड करो, फाइंड कर लो कौन सा सबनेट नंबर है, देखो इसमें 3 है, पहला में 3 है तो थर्ड सबनेट हो गया, यहाँ 2 है सेकंड सबनेट बन गया, यहाँ भी 2 है 0 1 0, ये भी सेकंड सबनेट बन गया, मतलब क्या है कि IP2 और IP3 दोनों ही सेकंड सबनेट को बिलोंग कर रहा है, IPO1 है जो थर्ड सबनेट को बिलोंग कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट यहाँ कितना हो सकता है, 3 बिट्स है, मतलब 2^3 - 2, 6 सबनेट पॉसिबल है, 6 सबनेट पॉसिबल है जिसमें सेकेंड और थर्ड को ये सारा आईपी बिलोंग कर रहा है, 2 आईपी है जो सेकेंड को बिलोंग कर रहा है, 1 आईपी है जो थर्ड को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया, इसका आंसर यही हो गया क्या, IP2 एंड IP3 बिलोंग्स टू सेम सबनेट एंड IPO1 बिलोंग्स टू डिफरेंट सबनेट, ठीक है। यहाँ कौन सा सबनेट नंबर को बिलोंग कर रहा है ये भी पता चल गया, यही काम तो करना था। थर्ड क्वेश्चन में क्या हम लोग का था कि सेम सबनेट को कौन कौन बिलोंग कर रहा है ये बताओ, फोर्थ क्वेश्चन में क्या हम लोग का था, सबनेट नंबर को भी बता दो कौन सा सबनेट नंबर को बिलोंग कर रहा है, दोनों ही चीज़ें हम बता ली, ठीक है। इसके बाद में आते हैं क्या, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, फिफ्थ को देखते हैं, फिफ्थ में क्या है, वाई कंटिन्यूअस मास्क भी प्रैक्टिकली यूज इन नेटवर्क डिजाइन। जैसे अभी जितना भी हम देखें, अब तक जितना भी क्वेश्चन देखें, हम क्या बताए कि जब मास्क यहाँ ले रहे हैं, जब मास्क यहाँ ले रहे हैं, ये मास्क है, इसमें क्या देख रहे हैं कि इस मास्क में थर्ड ऑक्टेट में सबनेट बिट्स यहाँ पर है, ठीक है, तीनों बिट्स एक साथ में ही है ना, स्टार्टिंग से लेकर स्टार्ट होता है यहाँ से और जहाँ तक भी जा रहा है सबके सब कंटिन्यूअस है, सबके सब बिट्स क्या है, कंटिन्यूअस है, अलग अलग क्यों नहीं है, यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि मान लो ऐसा रहता कि इस ऑक्टेट में एक बिट से यहाँ रहता, एक बिट यहाँ सबनेट का रहता, एक बिट यहाँ रहता सबनेट का, डिसकंटिन्यूअस रहता, एक साथ में नहीं रहता, डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं है, कंटिन्यूअस ही क्यों है, कंटिन्यूअस को हम क्यों यूज करते हैं नेटवर्क डिजाइन में,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन हम नीचे में सोल्यूशन है, इसको हम एक बार देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, 6, 7, 8 को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में 5th वाले को हम देखते हैं। ठीक है, 5th वाले को देखेंगे, ये क्यों हम कंटिन्यूअस को ले रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस को क्यों नहीं प्रीफर करते हैं, इसका रिजल्ट हम देखेंगे। ठीक है, अभी 6th वाले में हम आते हैं। 6th में देखो क्या है, 1 DVA गिवन एंड मल्टीपल सबनेट मास गिवन। एक DVA गिवन है और मल्टीपल सबनेट मास गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, आस्किंग विच कैन बी मास्क ऑफ गिवन DVA, जो DVA प्रोवाइडेड है उसके लिए कौन कौन मास्क जैसा बिहेव कर सकता है, कौन कौन जो है, जो सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क मल्टीपल गिवन है, DVA एक ही गिवन है, तो पर्टिकुलर गिवन DVA के लिए कौन कौन सा सबनेट मास्क है जो मास्क जैसा बिहेव करेगा, बस यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं कि इसमें 6th क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक DVA गिवन है, एक DVA यहाँ गिवन है, ये DVA गिवन है, ठीक है, साथ में क्या है, सबनेट मास्क भी गिवन है, तीन मास्क गिवन है, तीन सबनेट मास्क गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करो कि DVA गिवन है ना, DVA गिवन है ना, देखो कौन सा क्लास का है, यहाँ 184 है, मतलब क्या है, क्लास बी का है, 184 है मतलब क्या है, क्लास बी का ये है। ठीक है, तो क्लास बी का है, इसका मतलब सिंपल जानो कि पहला दोनों तो नेटवर्क बिट्स रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में ही कन्फ्यूजन आने वाला है, थर्ड और फोर्थ में प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, हम थर्ड और फोर्थ को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो थर्ड में क्या है, 63 को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, कैसे भाई, पहला 128 0, दूसरा 64 0, अब 63 करना, तो 64 से एक कम अगर रिप्रेजेंट करना है, 64 के राइट में जितना भी बिट्स है इस ऑक्टेट में सबको 1 बना लो। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये मिल जाएगा 63। यहाँ 255 है, मतलब क्या है, फोर्थ ऑक्टेट में सारा बिट्स क्या रहेगा, सारा बिट्स 1 रहेगा, कितना बिट्स है, 4, हाँ 8 बिट्स है, सबके सब बिट्स है जो 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम इस दोनों ऑक्टेट को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, क्यों दो ही कर रहे हैं भाई, पहला दोनों क्यों नहीं कर रहे हैं, पहला दोनों पहले से ही नेटवर्क बिट्स है, वो फिक्स ही रहना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में ही चेंजिंग आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम यहाँ देख लिए इस तरीके से कि इसका कन्वर्सन हम बाइनरी में कर लिए। ठीक है, अब देखें, अब देखते हैं मास्क कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, मास्क को हम देखते हैं, देखो पहला जो सबनेट मास्क है, पहला सबनेट मास्क है, इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट दोनों ऑक्टेट को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ठीक है, कैसे, 192 है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 128 + 64, 192 हो गया, बाकी सबको 0 ले लो। ठीक है, ये क्या बन गया, 192 बन गया, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में 0 है तो सबके सब 0 बन गया। सेम वैसे ही 224 को करना है रिप्रेजेंट, 128 + 64 + 32, और 224 हो गया, बाकी सबको 0 ले लिए, एक कन्वर्सन हो गया, यहाँ 0 है, ये सबके सब 0 हो गया। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, यहाँ क्या है, 255 है, मतलब यहाँ सबके सब थर्ड ऑक्टेट में 1 है। ठीक है, 128 है, मतलब इसका पहला बिट 1 है, बाकी सबके सब 0 है, ये बन गया मेरा। ठीक है, तीनों मास्क को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए हैं, अपना DVA को भी हम कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें खेल शुरू है, इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आने वाला है, अगर हम बोलते हैं DVA, DVA का मतलब क्या है बताओ, DVA का मतलब क्या है, ये किसी पर्टिकुलर सबनेट का DVA रहा होगा, ये किसी पर्टिकुलर सबनेट का DVA होगा, क्योंकि यहाँ सबनेटिंग तो हो रहा है, किसी पर्टिकुलर सबनेट का DVA रहेगा। ठीक है, अगर सबनेट में 4 बिट्स है, अगर 4 बिट्स है सबनेट के लिए, समझो एक बार, अगर 4 बिट्स है सबनेट के लिए, तो नंबर ऑफ सबनेट कितना पॉसिबल है, नंबर ऑफ सबनेट कितना पॉसिबल होगा, 2 पावर 4 माइनस 2, माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, सबके सब बिट्स अगर सबनेट का 0 रहे तो नहीं लेंगे हम, सबके सब बिट्स अगर सबनेट का 1 रहे वो भी नहीं लेंगे, बाकी 0 1 का जितना कॉम्बिनेशन होगा, 0 और 1 दोनों ही रहे वो सबको हम लेते हैं। कैसे स्टार्ट होता है सबनेट, सबके सब 0 है इसको हम छोड़ देते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 वैल्यू रहे, मतलब क्या है, 4 बिट्स का है 0 0 0 1, 2 कैसे आएगा, सेकेंड सबनेट कैसे आएगा 0 0 1 0, 3 कैसे आएगा 0 0 1 1, 4 कैसे आएगा 0 1 0 0,
चार बिट्स में ही देखना है हम लोग को, ठीक है, फोर बिट्स में देखना है। क्यों, हम बोल रहे हैं क्या, हम ऑलरेडी बोल रहे हैं क्या कि फोर बिट्स सबनेट के लिए है, ठीक है, यही बात है। अब देखो यहाँ पर DBA अगर बता रहा है, DBA बता रहा है मतलब कि इसमें थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट में जो बिट्स रहेगा सबनेट का भी हो सकता है और होस्ट का भी हो सकता है, यही चीज है, सबनेट का भी हो सकता है और होस्ट का भी हो सकता है। हो सकता है कि यहां से यहां तक सबनेट रहे और यहां से यहां तक होस्ट रहे, ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि जब यहां से यहां हम सबनेट बोल रहे हैं, 5 बिट्स हम सबनेट लेते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबनेट कितना पॉसिबल होगा, 2 पावर 5 माइनस 2, 2 पावर 5 का वैल्यू 32 माइनस 2, 32 माइनस 2 30 वैल्यू आ गया, मतलब कि 30वां सबनेट, सबनेट का मतलब क्या, 30th सबनेट का ये DBA है मेरा, 30th सबनेट का ये DBA है मेरा, ये पॉसिबल है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या देखते हैं, 3 बिट ले सकते हैं क्या यहां पर, अब बाकी सबके सब बिट्स है जो होस्ट में रहे, पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, 3 बिट में देखो वैल्यू क्या है, 001, मतलब क्या हो गया, ये किसके लिए है, ये फर्स्ट सबनेट का DBA है, फर्स्ट सबनेट का DBA है, ठीक है। अब मान लो यहां पर 4 बिट्स हम सबनेट में लेते हैं, बाकी सब बिट्स को होस्ट में लेते हैं, क्या बोलेंगे भाई, 4 बिट्स में 0011 है, क्या वैल्यू दे रहा है, 3 वैल्यू दे रहा है, मतलब क्या ये रह गया, इसको बोलेंगे थर्ड सबनेट का ये DBA है, हम बोल सकते हैं कि थर्ड सबनेट का ये गिवन DBA है, क्योंकि ये तो केवल DBA दिया गया है, सबनेट नंबर तो बताया नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है, मल्टीपल पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कितना बिट्स सबनेट के लिए है, सबनेट के लिए कितना बिट्स है, कैसे पता चलेगा, मास्क को देख कर पता चलेगा हम लोग को, जो मास्क इवन है, मास्क को जब देखेंगे तब पता चलेगा। यहाँ क्या दिख रहा है, मास्क में क्या होना है, नेटवर्क बिट्स 1 होना है, होस्ट का बिट्स 0 होना है, यही होना है ना। तो यहाँ देखो 192 को जब हम किए हैं, यहाँ पहला दोनों बिट्स 1 है, मतलब क्या है, 2 बिट्स का ही ये सबनेट है, बाकी सबके सब 0 है, 2 बिट्स का ये सबनेट है, 2 बिट्स का है, यहाँ पर नंबर ऑफ सबनेट कितना पॉसिबल होगा, 2 पावर 2 माइनस 2, 2 पावर 2 का वैल्यू 4, 2 पावर 2 का वैल्यू कितना 4 है, माइनस 2 करो, 4 माइनस 2 2, मतलब क्या है, 2 बिट्स है, 2 ही सबनेट पॉसिबल है, 2 बिट्स में 2 सबनेट, मतलब पहला सबनेट कौन होगा, दूसरा सबनेट कौन होगा, पर 2 बिट्स है, 2 बिट्स में अगर 0 0 लेते हैं ये सबनेट नंबर नहीं बताएगा, 0 1 लेते हैं तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा पहला सबनेट को, 1 0 लेते हैं ये बताएगा दूसरा सबनेट को, 1 1 लेते हैं ये सबनेट नहीं बताएगा, मतलब 0 1 और 1 1 अगर रहे, 0 1 और 1 1 रहेगा तो सबनेट नंबर बताएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बोलते हैं कि मास्क में यहाँ 1 1 है, 2 बिट ही है, ठीक है। अब हम अपने DBA को एक बार देखते हैं, DBA में क्या है, पहला दोनों ही 0 है, DBA में क्या है, पहला दोनों ही 0 है, बताओ यहाँ 2 बिट का सबनेट है, यहाँ 0 0 अगर लिखेंगे हम, बाद में जो होस्ट का बिट्स रहे, 0 0 कोई सबनेट होता है क्या, नहीं होता है, जब सबके सब सबनेट बिट्स 0 रहे हम नहीं ले सकते, सबके सब सबनेट बिट्स 1 रहे वो भी हम नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों बिट्स यहाँ 0 0 है, नहीं ले सकते हैं, क्यों भाई, यहाँ दिख रहा है अगर 2 बिट्स का अगर मास्क है, 2 बिट्स का मास्क है, अगर ये 2 बिट्स का अगर ये मास्क जो गिवन है इसमें 2 बिट्स है जो सबनेट के लिए है, यहाँ 2 बिट क्या है, 0 0 है, तो 0th सबनेट का ये DBA बन रहा है, 0th सबनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब क्या है कि पहला जो मास्क है ये पॉसिबल नहीं है एज ए सबनेट मास्क। सेकेंड में आते हैं, देखो सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 224 का इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि 3 बिट्स किसके लिए है, 3 बिट्स है जो सबनेट के लिए है। अब बताओ 3 बिट्स सबनेट के लिए है तो यहाँ भी 3 बिट्स सबनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और बाकी सब होस्ट रहा होगा। DBA लिखे हैं तो क्या है, किसी पार्टिकुलर सबनेट नंबर लिख लिए बाद में होस्ट वाले को ओवन कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक होस्ट सबको हम ओवन कर लिए, पहला 3 बिट्स सबनेट के लिए है, पहला 3 बिट्स का वैल्यू क्या है, 0 0 1, पहला 3 बिट्स में क्या है, 0 0 1, कौन सा सबनेट को बता रहा है, ये बता रहा है क्या,
फर्स्ट सबनेट को बता रहा है, फर्स्ट सबनेट को बता रहा है। मतलब क्या, अगर हम सेकेंड वाले को मास्क हम लेते हैं तो क्या बताएगा हम लोग को कि ये पहला सबनेट का डीबीए है। अगर हम सेकेंड मास्क लेते हैं, सेकेंड अगर सबनेट मास्क को हम लेते हैं, सेकेंड सबनेट मास्क को अगर लेते हैं और उसके बाद हम इसे डीबीए को देखते हैं, ठीक है, सेकेंड सबनेट मास्क को हम मास्क अगर मान लेते हैं अब तब इसे डीबीए को देखते हैं तो क्या मिल रहा है हम लोग को कि ये पहला सबनेट का डीबीए है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सबनेट का डीबीए तो रहेगा ही, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि सेकेंड सबनेट है जो, ये सेकेंड सबनेट मास्क है जो सही है, ये पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पर दो ही बिट है, दोनों बिट जीरो जीरो है, जीरो जीरो को हम सबनेट मानते ही नहीं है। जीरो जीरो रहे या वन वन रहे, दो ही बिट में तो नहीं मानते हैं। क्या रहना चाहिए था, या तो जीरो वन रहता या तो वन जीरो रहता, तब हम मान लेते पहला सबनेट है या दूसरा सबनेट है, ठीक है। सेम यही चीज है, देखो थर्ड वाला जो सबनेट मास्क गिवन है, इसको जब हम कन्वर्ट किए हैं, इसको जब हम कन्वर्ट किए हैं डेसिमल में तो क्या दिख रहा है हम लोग को, थर्ड वाले में कन्वर्ट किए तो देखो 255 सबके सब वन है, 128 पहला वन है। मतलब क्या है, सबनेट के लिए 9 बिट्स है, सबनेट के लिए 9 बिट्स है, 9 बिट्स है जो उस डीबीए में भी, ये जो डीबीए है मेरा, इस डीबीए में भी 9 बिट्स है जो सबनेट के लिए रहेगा, बाकी सब होस्ट के लिए रहेगा। तो बताइए कौन सा सबनेट नंबर बताएगा, 9 बिट्स यहां से यहां तक अगर हम रीड करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, देखो सबके सब वन भी नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में दो जीरो है तो सबके सब वन भी नहीं है, सबके सब जीरो भी नहीं है, मतलब तो कुछ कोई बीच का है, मतलब तो सबनेट का आईडी और सबनेट का डीबीए के बीच का कोई ये है, ठीक है। इसको हम लेंगे सबनेट नंबर में, इसको हम सबनेट नंबर में लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सबनेट बनेगा, ये जो सबनेट है कौन सा सबनेट है, इसका डेसिमल वैल्यू फाइंड कर लो, इसका डेसिमल वैल्यू करो। डेसिमल वैल्यू कैसे कर सकते हैं, मान लो पहला बिट को हम छोड़ लेते हैं, ठीक है, अब कितना बचा, 8 बिट्स बता, 8 बिट्स में पहला जीरो है बाकी सब वन है, मतलब पहला जीरो मतलब 128 नहीं है बाकी सब वन है, तो 127 को बताएगा। अगर एक को हम छोड़ते हैं उसके बाद में सब वन करते हैं तो जो वैल्यू पहला बिट दे रहा था उससे एक कम वैल्यू सारा बिट्स को वन करने पर मिलेगा। मतलब क्या है कि यहां से यहां तक क्या बता रहा है, 127 को बता रहा है, 127th सबनेट को बता रहा है, ठीक है। ये डीबीए की इसका है भाई, 127th सबनेट का ये डीबीए एड्रेस है, 127th सबनेट का ये डीबीए एड्रेस है। बोलो 127 सबनेट पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, कैसे भाई, यहाँ पर 9 बिट्स देखो सबनेट के लिए है, 9 बिट सबनेट का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 9 माइनस 2 सबनेट पॉसिबल है, 2 पावर 9 का वैल्यू होता है 512, 512 माइनस 2 मतलब 510, 510 सबनेट पॉसिबल है, जिसमें 127 सबनेट का डीबीए है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, पॉसिबल है, ठीक है। तो सेकेंड सबनेट भी पॉसिबल, सेकेंड जो मास्क है ये भी पॉसिबल है, थर्ड मास्क भी पॉसिबल है, लेकिन पहला मास्क है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही बिट है, यहाँ दो बिट में जीरो जीरो आ गया है, 3 बिट रहता तो हो जाता, 4 बिट रहेगा तब भी होगा, 5 बिट रहेगा तब भी होगा, 6 बिट रहेगा सबनेट का तब भी होगा, लेकिन 2 बिट रहेगा तो नहीं होगा, 1 बिट में होगा क्या, मान लो ऐसा रहता 1000 ऐसे रहता, फिर डॉट अगला ऑक्टेट भी जीरो रहता, तब होता क्या, तब भी नहीं होता, क्योंकि 1 बिट सबनेट लेंगे, यहाँ 1 बिट में क्या है, जीरो है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये तो सीधा सीधा ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जीरो यहाँ सबनेट का वैल्यू है, बाद में क्या दिख रहा है, होस्ट में भी यहाँ पर भी जीरो आ गया, डीबीए में कभी होस्ट का बिट जीरो रहता ही नहीं है, डीबीए में हमेशा ही होस्ट का बिट वन रहता है, ठीक है। ये हम लोग फाइंड कर लिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, क्या है, विच ऑफ सबनेट मास्क इज पॉसिबल फॉर एवर डीबीए, क्या है भाई, सेकेंड एंड थर्ड सबनेट मास्क कैन बी सबनेट मास्क ऑफ एवर डीबीए, ठीक है, यही दोनों आंसर हो गया। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में, देखो 7th क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 7th में क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ होस्ट रिक्वायरमेंट गिवन, मतलब क्या है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक कंपनी है, वो क्या बताया
कि हमको एक नेटवर्क चाहिए, एक आईपी एड्रेस चाहिए जिसमें कि हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ होस्ट को जोड़ना। मान लो 500 मेरे पास में होस्ट है, 500 एम्प्लॉई है तो 500 आईपी एड्रेस का पैकेज चाहिए। मान लो 100 है, 100 एम्प्लॉई है, या फिर 150 है, 122 है, कुछ भी है, कोई भी डेटा हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितना भी हो सकता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर बता दिया कि इतना नंबर ऑफ एम्प्लॉई है, इसके लिए हमको एक नेटवर्क प्रोवाइड करो। कैसा नेटवर्क होना चाहिए? कंपनी जो नेटवर्क जो प्रोवाइड कर रहा है, जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, वो क्या चाहेगा कि अच्छा इसको इतना एम्प्लॉई के लिए चाहिए, तो ऐसा नेटवर्क हम इसको प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि बर्बादी नहीं हो मेरा आईपी एड्रेस, कम से कम बर्बादी हो, मिनिमम वेस्टेज रहे मेरा आईपी एड्रेस का, ठीक है। जैसे क्या, मान लो 500 होस्ट को कनेक्ट करना है अगर, तो इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं कि क्लास ए का आईपी एड्रेस हम दे दिए। क्लास ए में कितना कनेक्ट होता है भाई, नंबर ऑफ होस्ट कितना कनेक्ट होता है क्लास ए में? पहला ऑक्टेट नेटवर्क का, बाकी तीनों ऑक्टेट होस्ट का। टोटल नंबर ऑफ बिट्स पर ऑक्टेट 24 बिट्स हो गया, मतलब नंबर ऑफ बिट्स पर होस्ट कितना हो गया, 24 बिट्स हो गया। सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेट सबके सब होस्ट के लिए है, 24 बिट्स हो गया। नंबर ऑफ होस्ट कितना कनेक्ट होगा, 2 पावर 24 माइनस 2। एक एड्रेस में 2 पावर 24 माइनस 2 होस्ट पॉसिबल है ज्वाइन करना, लेकिन कंपनी को चाहिए 500 ही, कंपनी को 500 ही चाहिए, 500 होस्ट को ही कनेक्ट करना है, तो बहुत सारा आईपी एड्रेस बर्बाद हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरीके से आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाए इसमें कम से कम बर्बादी हो, कम से कम बर्बादी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा, 7th नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार यहाँ देखते हैं। 7th नंबर देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्या गिवन है हम लोग के पास में। कंपनी रिक्वायर नेटवर्क फॉर ज्वाइनिंग 800 होस्ट, 800 इसका होस्ट है, ठीक है। फाइंड बेस्ट सबनेट, बेस्ट सबनेट मतलब क्या हो गया, इसमें मिनिमम वेस्टेज रहे आईपी एड्रेस का, इसमें आईपी एड्रेस का वेस्टेज मिनिमम रहे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस का मिनिमम वेस्टेज रहे, हम लोग देखेंगे कितना बिट्स में होस्ट का काम चल जाएगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तो एक हीट एंड ट्रायल से हम देखेंगे क्या कि मान लो 6 बिट्स अगर होस्ट के लेते हैं तो नंबर ऑफ होस्ट कितना रहेगा, 2 पावर 6 माइनस 2, कितना वैल्यू, 62 वैल्यू, लेस देन 800 है, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं 800 को, क्योंकि यहाँ 62 होस्ट को ही कनेक्ट कर सकते हैं। और हम बिट्स बढ़ाते हैं होस्ट के लिए, मान लो 8 बिट्स लिए तो 2 पावर 8 माइनस 2, 254 वैल्यू, ये भी 800 से कम है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी अगर हम प्रोवाइड करते हैं कंपनी को तो 800 होस्ट को ज्वाइन कर ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 254 होस्ट को ही ज्वाइन करने का जगह है, ठीक है। और भी बिट्स हम बढ़ाए, अब 9 लिए, 2 पावर 9 माइनस 2, तो कितना बना, 510, 510 भी 800 से छोटा है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है सबके सब होस्ट को कनेक्ट कर देना, ठीक है। अब 10 बिट्स लिए, 2 पावर 10 माइनस 2 का वैल्यू क्या है, 1022, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन 800 है, मतलब कि इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है कि जो गिवन ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सारे होस्ट को कनेक्ट कर ले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1022 होस्ट को ज्वाइन करने का पॉसिबिलिटी है, जबकि ज्वाइन कितना करना है, 800 को ही ज्वाइन करना है, 800 होस्ट को ही ज्वाइन करना है, पॉसिबिलिटी क्या है, 1022। अगर 11 लेते हैं, 2 पावर 11 माइनस 2 करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1024, मतलब 2048, 2048 माइनस 2, कितना बना, 2046, 2046 होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, 800 को ही करना है, ये काम कर देगा। मतलब क्या, 11 बिट्स लेंगे तब भी काम चल जाएगा, 10 बिट्स लेंगे तब भी काम चलेगा, 12 बिट्स लेंगे तब भी काम चलेगा, 13 बिट्स लेंगे तब भी काम, इसके बाद का ज़्यादा जितना भी बिट्स ले लो सब में काम चल जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ बिट्स उतना ज़्यादा बर्बाद होते जाएगा आई पी एड्रेस मेरा। क्योंकि यहाँ पर देखो, जब 11 हम लिए हैं तो क्या दिख रहा है, 2046 होस्ट को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट 800 का ही है। 10 बिट्स लिए हैं तो कितना वेस्टेज हो रहा है, 1022 माइनस 800, 222 ही वेस्टेज हो रहा है। जब यहाँ पर 2046 लेंगे तो और ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो 11 बिट्स में और ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, 12 में और ज़्यादा वेस्टेज होगा, 13 में और ज़्यादा वेस्टेज होगा, तो सबसे बेस्ट सूटेबल कौन है, इसमें बर्बादी कम से कम रहे, 10 बिट्स वाला ही,
10 बिट्स वाला ही, मतलब 10 बिट्स हम लोग को चाहिए होस्ट के लिए। ये समझ में आ गया। अब 10 बिट्स होस्ट के लिए कौन सा क्लास अच्छा होगा? अगर हम क्लास सी लेते हैं तो होस्ट के लिए बिट्स कितना रहेगा वहाँ पर? 8 बिट्स ही रहेगा, नहीं पॉसिबल है। क्लास ए लेते हैं तो होस्ट के 24 बिट्स होता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें भी सबनेटिंग हम कर सकते हैं, सबनेटिंग इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लास बी हम लेते हैं तो क्लास बी में 16 बिट्स ही होस्ट के लिए रहता है, हम लोग को चाहिए 10 बिट्स। टोटल बिट्स होस्ट के लिए 16 है, 10 बिट्स हम लोग को चाहिए होस्ट के लिए, बाकी रिमेनिंग 6 है उसको हम सबनेट बिट्स बना देंगे। रिमेनिंग 6 बिट्स जो बचा है होस्ट का उसको हम नेटवर्क में चेंज कर देंगे, मतलब क्या किए, सबनेट बिट्स हम बना दिए, यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर किए, थर्ड ऑक्टेट का जो 8 बिट्स होता है जिसमें 6 बिट्स है जो सबनेट के लिए रख लिए, रिमेनिंग 2 बिट्स है जो होस्ट को हम दे दिए हैं, ठीक है। फोर्थ ऑक्टेट में सारा 8 बिट्स क्या है, सारा 8 बिट्स होस्ट के लिए है, तो 8 बिट्स होस्ट को यहाँ से मिल गया, 2 बिट्स यहाँ से मिल गया, 10 बिट्स में ऑर्गेनाइजेशन का काम चल जाएगा, मतलब 6 बिट्स क्या करना है, सबनेट को लेना है, ठीक है। अब इसके लिए एक अगर रेंडम आईपी एड्रेस हम लिखते हैं जो कि फुलफिल कर दे सामने वाले कंपनी का डिजायर, तो क्या कर सकते हैं, क्लास बी का एक आईपी एड्रेस ले लो, क्या है भाई, एक रेंडम आईपी एड्रेस हम लिए हैं, क्या लिए, 175.190, एक किसका है, क्लास बी का है, 175 आया तो रेंज क्या है, 128 to 191, ये रेंज है क्लास बी का, ये क्लास बी का है, इसमें क्या है, 6 बिट्स हम लोग को सबनेट में लेना है, 6 बिट्स क्या करना है, सबनेट में हम लोग को ले लेना है, ठीक है, 6 बिट्स सबनेट में, बाकी जो रिमेनिंग 8 बिट्स है ये सब क्या रहेगा, होस्ट के लिए बिट्स रहेगा, ठीक है। अब इतना 6 बिट्स में कितना सबनेट पॉसिबल है, 2 power 6 - 2, मतलब कितना होस्ट हो गया भाई, कि मैंने कितना सबनेट पॉसिबल है, 2 power 6 - 2, 2 power 6 कितना, 64 - 2, 62 सबनेट्स पॉसिबल है यहाँ पर। कोई भी एक सबनेट दे दो कंपनी को, कोई भी एक सबनेट दे दो कंपनी को, वो काम चल जाएगा कंपनी का, ठीक है। बस यही काम हम कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर क्या किए कि 224th सबनेट हम दे दिए, तो यहाँ पर 224 को रिप्रेजेंट कर लेंगे, 224 को यहाँ पर, अच्छा 224th सबनेट नहीं है, देखो यहाँ पर क्या है, 224 इस ऑक्टेट का वैल्यू है, इसमें सबनेट नंबर कैसे है, 6 बिट में ही हम देखेंगे, 6 बिट में देखेंगे, ये पहला बिट क्या बताता है भाई, 1, 2, 4, 8, 16, 32, मतलब क्या हो गया, 32 + 16 + 8, 32 + 16 कितना हो गया, 48 + 8 और मतलब 56, ठीक है, 56 सबनेट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या है, 56 सबनेट अगर हम देंगे उसमें सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम चल जाएगा। तो 56 सबनेट का ये क्या है, ए आई डी है, ए आई डी है, कि होस्ट बिट सब के सब क्या है, जीरो है, तो ये 56 सबनेट का आई डी हम दे दिए, ए आई डी क्या काम करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर में जितना होस्ट है कनेक्ट हो जाए अपना, उसके अंदर में जितना होस्ट है 800 होस्ट है कनेक्ट हो जाए, 10 बिट्स ऐसे भी फ्री है जहां पर कि 1022 होस्ट को कनेक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके आईडी से हम क्या करेंगे, ऐसा आप अगर बता रहे हैं कि 56 सबनेट में ही पॉसिबल है क्या, नहीं कोई भी कर सकते हो, कोई भी सबनेट दे सकते हो सामने वाले को, रेंज क्या होना चाहिए, पहला सबनेट से लेकर 62nd सबनेट तक, पर 1 से लेकर 62 तक के बीच में कोई भी सबनेट दे सकते हो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का काम चल जाएगा, सब सबनेट का कैपेसिटी सेम है, रेंज सब सबनेट का सेम है, सब सबनेट में 1022 होस्ट ही कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। हम एक रेंडम क्या किए कि 56 सबनेट को हम प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसका मास क्या है भाई, इस सबनेट का अगर देखा जाए तो इस सबनेट के लिए मास्क हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये सबनेट आईडी बन गया है, ये सबनेट आईडी बन गया है, तो सबनेट आईडी में क्या होता है, होस्ट का जो बिट्स है सबके सब जीरो रहेगा, ठीक है। जो नेटवर्क का बिट्स है जो क्या करेंगे, सबनेट आईडी में जो पार्टिकुलर सबनेट के लिए है
जो वैल्यू है सबनेट नंबर में रहेगा, सबनेट का जो बिट्स है उसमें जो पर्टिकुलर सबनेट का है उसका वैल्यू रहेगा। जैसे क्या हम बोल रहे हैं 56 सबनेट, तो 56 को यहाँ 6 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दो, उसके बाद इस ऑक्टेट का वैल्यू फाइंड कर लो। इस ऑक्टेट का वैल्यू क्या मिल गया बाद में हम लोग को 224, होस्ट वाला बिट सबके सब जीरो है, ये क्या बन गया सबनेट आईडी बन गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर है सबनेट मास्क कैसा होगा, मास्क कैसा होगा, मास्क के लिए क्या करेंगे, जितना भी नेटवर्क का बिट्स है सबको वन कर लो, होस्ट जितना भी है सबको जीरो कर लो। नेटवर्क बिट्स कितना है 6 बिट्स है ना, मतलब कि ये 6 बिट्स क्या बन जाएगा सबके सब वन बन गया, होस्ट के लिए जो है जीरो बन गया। अब इस ऑक्टेट का वैल्यू कितना रहेगा, इस ऑक्टेट का कितना वैल्यू है, लास्ट का 2 बिट 00 है, पहला से मिलता है 1, दूसरा से मिलता है 2, टोटल 2+1=3, मतलब कि 3 कम जाएगा। अगर सबके सब वन रहता 255 वैल्यू देता, 255 से 3 कम गया मतलब 252, तो यहाँ वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को 252 मिल गया। यहाँ तो सबके सब होस्ट ही है, सबके सब जीरो ही रहना है, ये जीरो हो गया, ये मिल गया हम लोग को, सबनेट मास्क भी मिल गया। ठीक है, यहाँ क्या है, एनी सबनेट्स ऑफ गिवन रेंज डेट इज फर्स्ट सबनेट टू 62nd सबनेट कैन फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवव कंपनी। ये जो कंपनी है जिसका रिक्वायरमेंट था, इसके रिक्वायरमेंट को कोई भी सबनेट फुलफिल कर देगा। अगर 6 बिट्स हम सबनेट बिट्स लेते हैं तब, ठीक है, ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th वाले में देखते हैं एक बार, 8th का क्या है, जितना भी वेरिएशन है सबको हम एग्जांपल से सॉल्व किए, एक बार एग्जांपल को देख लो समझ में आ जाएगा, और इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन मिले कहीं भी सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, 8th में सबनेट मास्क एंड क्लास इज गिवन, सबनेट मास्क और क्लास गिवन है, आस्किंग रेंज ऑफ सबनेट डेट इज नंबर ऑफ होस्ट इन डिफरेंट सबनेट्स। ठीक है, एक सबनेट मास्क गिवन है और एक क्लास गिवन है, किसी पर्टिकुलर क्लास का सबनेट मास्क गिवन होगा, रेंज ऑफ सबनेट पूछा है, रेंज मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितना हम कनेक्ट कर सकते हैं गिवन सबनेट में, यही चीज होता है। तो 8th में हम आते हैं, 8th क्वेश्चन में देखो, 8th में क्या है, क्या है, इन क्लास बी सबनेट मास्क इज इतना, ए सबनेट मास्क गिवन है, क्लास बी में क्या है सबनेट मास्क एक गिवन है। ठीक है, अब इस सबनेट मास्क को क्लास बी का है, मतलब क्या लास्ट 2 ऑक्टेट में ही प्रॉब्लम आना है, कुछ बिट्स सबनेट के लिए रहेगा, कुछ बिट्स होस्ट के लिए रहेगा, मास्क है मतलब क्या नेटवर्क के लिए जितना भी बिट्स है सबके सब ओपन रहेगा, होस्ट के लिए जितना है सबके सब जीरो रहेगा। ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसका बाइनरी कन्वर्शन क्या है, 240 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा मिलेगा, जीरो करेंगे तो इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, अब इस रिप्रेजेंटेशन में यहाँ तो सबके सब जीरो है, मतलब ये सबके सब किसके लिए है, ये सबके सब होस्ट के लिए है। ठीक है, थर्ड ऑक्टेट में अब हम देखते हैं, थर्ड में क्या देख रहे हैं, ये 4 जीरो है मतलब ये होस्ट के लिए है, स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग का 4 बिट्स 1 है, मतलब क्या है ये सबनेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ये सबनेट बिट्स है मेरा। कोई क्लास बी में, क्लास बी में नेटवर्क के लिए तो पहला दूसरा ऑक्टेट से ही काम चल जाता है, अब जितना भी बिट्स हम ले रहे हैं इसके आगे से थर्ड सबनेट से 4 बिट्स लिए हैं, ये जो 4 बिट्स हम ले रहे हैं होस्ट का बिट्स को हम नेटवर्क बना रहे हैं, यही तो सबनेटिंग होता है। ठीक है, तो सबनेट का बिट्स कितना हो गया, सबनेट हो गया 4 बिट्स का। ठीक है, 4 बिट्स में नंबर ऑफ सबनेट कितना रहेगा, 2^4-2, मतलब क्या है 14 सबनेट पॉसिबल है, यहाँ पर 14 सबनेट पॉसिबल है। ठीक है, होस्ट कितना होगा भाई ईच सबनेट में, यहाँ 8 बिट्स है, यहाँ 4 बिट्स है, 8+4=12 बिट्स, मतलब 2^12-2 इतना होस्ट है जो ईच सबनेट में पॉसिबल होगा, ईच सबनेट में पॉसिबल होगा। ठीक है, ये हम लोग देख लिए, अब हम लोग को लिखना है क्या, अब लिखना है रेंज, रेंज लिखना है, रेंज का मतलब क्या होता है, एक सबनेट का किसी एक पर्टिकुलर सबनेट, यहाँ कितना सबनेट पॉसिबल है, यहाँ 14 सबनेट पॉसिबल है, तो एक सबनेट का अगर रेंज का बात करें इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर सबनेट में कितना सारा होस्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सबनेट में कितना सारा होस्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं, यही चीज रहता है। मतलब क्या है,
एक सबनेट का आईडी से लेकर सबनेट आईडी से लेकर सबनेट का डीबीए तक अगर हम जाते हैं, उसके बीच में जो भी वैल्यू आता है आईडी और डीबीए को छोड़कर सबके सब होस्ट के लिए है, सबके सब होस्ट के लिए है। तो रेंज ऑफ सबनेट कैसे लिखेंगे, सबनेट आईडी फ्रॉम सबनेट आईडी टू सबनेट डीबीए, आईडी टू डीबीए करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। तो यहां 4 बिट है, इस 4 बिट में पहला सबनेट कहां से स्टार्ट होगा, इस 4 बिट में 1 को रिप्रेजेंट करो। अगर सबके सब 0 रहे, इसको तो हम लेते नहीं है, क्यों, इसके लिए ही तो -2 हम किए थे। तो सबनेट कहां से स्टार्ट होगा, 0001 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसका आईडी क्या होगा, होस्ट सबके सब 0 रहे तो बोलो इसका वैल्यू क्या है, देखो एक बार इसका वैल्यू क्या बनेगा, यहां से 1 2 4 8 16, इस ऑक्टेट का वैल्यू 16 है, ठीक है, 16.0 पहला सबनेट का आईडी है, ठीक है। तो पहला सबनेट का आईडी क्या हो गया, 16.0 स्टार्टिंग का, दोनों ऑक्टेट जो पहले से है कोई भी ले सकते हैं, क्लास बी का बात कर रहा है ना, हम क्लास बी का एक नेटवर्क ले लिए हैं, रेंडमली हम ले लिए हैं, क्या भाई 165.37 एक क्लास बी का है, ठीक है। अब आना है क्या कि पहला सबनेट क्या होगा, पहला सबनेट आईडी क्या होगा 16.0, यहां से लेकर कहां तक जाएगा भाई, तो यहां जो हम 0001 किए हैं, ठीक है, ये जो सबनेट है इसका आईडी सबके सब 0 है लिख लिए, इसका डीबीए कैसा होगा, सब होस्ट बिट्स को 1 कर लो, होस्ट का जितना भी बिट्स है सबको हम 1 कर लिए। अब इसका वैल्यू क्या है, लास्ट वाले का क्या वैल्यू बन जाएगा, अच्छा एक और बन जाएगा, लास्ट का वैल्यू क्या रहेगा 255, तो इसका 255 गया, ठीक है। इस ऑक्टेट का वैल्यू क्या बनेगा, अब इस ऑक्टेट का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है 16 है, तो इसके राइट में सबके सब 1 है, मतलब क्या वैल्यू लेगा 16 प्लस 15 31, मतलब क्या है 31 यहाँ आ गया, 31.255। बाकी पहला दोनों ऑक्टेट सेम ही रहेगा, तो क्या हो गया, पहला सबनेट का ए आईडी है और ए डीबीए है, आईडी टू डीबीए, यही रेंज हो गया पहला सबनेट का। सेकंड सबनेट कहां से स्टार्ट होगा भाई, सेकंड के लिए सबनेट का जो बिट्स है उसमें 2 वैल्यू डाल दो, ठीक है, कैसे 2 वैल्यू 0010, ठीक है, ए 2 वैल्यू आ गया सेकंड सबनेट का आईडी में सबके सब 0। अब इसका बोलो इस ऑक्टेट का वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू होगा, 128 का 0 है, 64 0 है, 832 आ गया, ठीक है। इस ऑक्टेट का 32 डॉट इसका वैल्यू 0, 32.0 हो गया सेकेंड सबनेट के लिए। अब इसका डीबीए को फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखो 0010, ये क्या है सेकेंड सबनेट है, इसका डीबीए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, सबको 1 बनाओ, सबको 1 बना लिए, लास्ट वाला ऑक्टेट क्या मिलेगा 255 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा भाई, तो 15 ही यहाँ ऐड होता है ना, सबको हम 1 करते हैं, यहाँ 15 ही ऐड होता है ना, तो 15 को ऐड कर लो आईडी में, आईडी का जो वैल्यू है, आईडी में क्या वैल्यू है 32 है, 32 इस बिट से वैल्यू मिल रहा है हम लोग को, इस बिट से सब 32 मिल रहा है, इसके आगे से 15 है, 32 प्लस 15 कितना हो गया 47, मतलब क्या हो गया डीबीए में क्या होगा 47.255, डीबीए में क्या बन गया 47.255, ठीक है। तो सेकेंड सबनेट का क्या बना 32.0 से लेकर 47.255। एक और चीज नोटिस करो कि पहला सबनेट का डीबीए यहाँ एंड हुआ था, कहाँ एंड हुआ था 31.255, अगला स्टार्ट कहाँ से हुआ है 32.0, इसके जस्ट जो अगला एड्रेस रहेगा जो सेकेंड सबनेट का हो जाएगा, सेकेंड सबनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, थर्ड सबनेट कहाँ से स्टार्ट होगा इस सेकेंड वाले के जस्ट एक आगे से, यहाँ 47.255 है, ठीक है। इसका अगला क्या होगा 48.0, फिर 48.0 में 15 ऐड करो, 48 में 15 ऐड करो, क्या मिला 63.255 डीबीए के लिए करना है तो, ठीक है। सेम इसके बाद में 63.255 से यहाँ आए तो क्या मिला 64.0, एक फोर्थ सबनेट हो गया, इसका डीबीए जाएंगे तो 64 में 15 ऐड करो, कितना बन गया 79.255
255 बन गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये सभी अलग अलग सबनेट का रेंज यहाँ है, ठीक है। अब आते हैं क्या कि 14th सबनेट कैसा होगा। तो सबनेट का बिट्स है वहाँ पर 14 को रिप्रेजेंट कर लो, उसका आईडी ले लो होस्ट में 0 रख के और होस्ट में सबको 1 रख के, वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 14 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर भाई, 1110, इससे 14 रिप्रेजेंट हो गया। अब इसका वैल्यू देखो क्या है, 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना बनेगा, 224 वैल्यू बन गया, 224.0 हॉस्ट का 0 रहेगा आईडी में, ठीक है। मतलब क्या है, 14 के लिए क्या बनेगा, 224.0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 224 में 15 ऐड कर लो, 15 ऐड कर लो तो कितना बन गया, 239 कितना बना, 239.255। ये लास्ट सबनेट का ये रेंज बन गया, लास्ट जो सबनेट है उसका यही रेंज बन गया। तो रेंज ऑफ ईच सबनेट हम फाइंड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा 8th क्वेश्चन हो गया, 8th क्वेश्चन भी मेरा हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, 5th क्वेश्चन बोले थे क्या कि लास्ट में हम बताएंगे। अब आते हैं 5th वाले क्वेश्चन में आते हैं, क्या है, व्हाई कंटिन्यूअस मास्क इज प्रैक्टिकली यूज इन नेटवर्क डिजाइन। पर नेटवर्क डिजाइन में मास्क हमेशा ही कंटिन्यूअस ही क्यों ले रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं है, जो सबनेट बिट्स लेते हैं जो कंटिन्यूअस ही क्यों है, ठीक है। कंटिन्यूअस सबनेट मास्क यहां लिख लो एक चीज, कंटिन्यूअस सबनेट मास्क इज प्रैक्टिकली यूज इन नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। कंटिन्यूअस क्यों लेते हैं, सबनेट मास्क को क्यों कंटिन्यूअस ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे में हम आते हैं क्या, 8th क्वेश्चन में, अच्छा 5th में आते हैं ना, 5th में है ये चीज, क्या है, व्हाई कंटिन्यूअस मास्क इज यूज इन नेटवर्क डिजाइन। नेटवर्क डिजाइन में कंटिन्यूअस मास्क की यूज करते हैं, देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, मान लो हम डिसकंटिन्यूअस मास्क ले लिए, मान लो हम डिसकंटिन्यूअस मास्क लेते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस क्या भाई, एक क्लास बी का हम मास्क लेते हैं, कैसा, 255.255, ये तो हमेशा ही नेटवर्क का पोर्शन रहता है, हम सबके सब 1 रहेगा, 255.255 हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या लिए, 164.0 हम ले लिए मास्क में, 164 को रिप्रेजेंट करो बाइनरी में, यही रिप्रेजेंटेशन होगा 164, ये 0 है, 0 को यहाँ रिप्रेजेंट कर लिए हम, ठीक है। अब इसमें क्या है, मास्क में क्या होता है, अच्छा एक सेकेंड, मास्क में क्या होता है, नेटवर्क बिट्स हमेशा ही 1 रहेगा, होस्ट बिट्स हमेशा 0 रहेगा। अब जो देखो यहाँ पर तो सबके सब 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 164 है, थर्ड वाले ऑक्टेट को हम देखते हैं, देखो फोर्थ में 0 है, फोर्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके सब होस्ट बिट्स है, सबके सब 0 है, ठीक है। थर्ड में है क्या, जो कुछ बिट्स है जो नेटवर्क के लिए है, जो सबनेटिंग किया गया है, कुछ बिट्स है जो होस्ट के लिए है, तो केवल थर्ड ऑक्टेट को ऑब्जर्व करना है हम लोग को, ठीक है। तो 164 का कन्वर्सन बाइनरी में क्या है, यही कन्वर्सन है, यहाँ क्या है, इसमें जितना भी 1 होगा वो सब नेटवर्क के लिए बिट्स रहेगा, जितना 0 होगा वो सब होस्ट के लिए। 1 कहाँ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, ये तीनों बिट्स क्या रहेगा, 3 बिट्स का सबनेट बन गया ये। बाकी जो 0 है, ये सब के सब जो 0 है, ये सब किसके लिए रहेगा, ये सब होस्ट के लिए रहेगा, सबके सब होस्ट के लिए रहेगा, ठीक है। ये मेरा 3 बिट्स का सबनेट बन गया, कितना सबनेट पॉसिबल होगा 3 बिट्स में, 2^3 - 2, 6 सबनेट पॉसिबल होगा, ठीक है। अब मान लो फोर्थ सबनेट हम लोग को लिखना है, फोर्थ सबनेट का आईडी अगर लिखना है, ठीक है, फोर्थ सबनेट का आईडी हम कैसे लिख सकते हैं, लास्ट दो ऑक्टेट को हम अगर देखते हैं तो कैसे लिखेंगे। अब देखो ए बिट, इसमें 4 को रिप्रेजेंट करो, 4 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 3 बिट में कैसे होता है, 3 बिट में कैसे 4 होता है, 100 से हम 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या, यहाँ 1 रखो, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, होस्ट का बिट सबके सब 0 है, ठीक है। ए मेरा क्या बन गया, ए मेरा फोर्थ सबनेट का, ये क्या मेरा बन गया, ये मेरा फोर्थ सबनेट का आईडी बन गया, ठीक है। वैल्यू क्या है, 128 वैल्यू होगा इस ऑक्टेट का, इसका 0 है, क्या है 128. क्या वैल्यू है, 128.0 वैल्यू आ गया। हम एक रेंडम आईपी एड्रेस ले लिए हैं क्या, 146.52,
तो क्लास बी का है 146 है जो सुटेबल है, सही है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, इस सबनेट आईडी कंप्लीट अगर देखते हैं तो क्या बन गया 146.52.128.0, ये क्या हो गया, फोर्थ सबनेट हो गया ये, ठीक है। मान लो फिफ्थ लेना है तो क्या करना होगा, 101 करना होगा। अब इसका वैल्यू फाइंड करो, इसका वैल्यू अब फाइंड कर लो, ये क्या बनेगा भाई, 128 यहाँ से मिला है, 64 0 32 0 16 0 8 0, यहाँ 4 आ गया, 128 + 4 = 132 बनेगा। मतलब फिफ्थ सबनेट क्या बनेगा, 132.0। लास्ट दोनों ऑक्टेट का हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में यही 146.52 रहेगा। तो देखो यहाँ पर अलग अलग जगह जब है, क्या करना पड़ रहा है हम लोग को, अलग अलग जगह में हम लोग सबनेट वाले बिट्स को चेंज कर रहे हैं, तब हम लोग को डिफरेंट सबनेट्स मिल रहा है। अब यहाँ बोलो, यहाँ पहला बिट हम सबनेट का लिए हैं, हो सकता है कि पहला बिट ना रहे, इस तरीके से मान लो 8 बिट्स है, 6 7 8, ए सबनेट का बिट्स रहे, ए सबनेट बिट्स रहे और ए सबनेट बिट्स रहे, बाकी सब क्या बन गया, ये होस्ट है, होस्ट है, होस्ट होस्ट होस्ट। तो अब इस 3 बिट में सबनेट नंबर के लिए इस 3 बिट्स में चेंज करना होगा, यही तीनों बिट्स में सबनेट नंबर के लिए चेंज करना होगा। तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उतना इजी नहीं रहेगा, उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा। जब कंटिन्यूअस हम लोग को दिखता था तो ज़्यादा इजी लगता था देखने में, तो जो भी पुट करना है कंटिन्यूअस में पुट कर लो, अलग अलग पोजीशन में रहे, डिसकंटिन्यूअस रहे, उतना कन्वीनियंट नहीं है कैलकुलेशन करना, ठीक है। इसलिए हम लोग डिसकंटिन्यूअस मास को हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, अगर यूज करेंगे तो इससे भी वही काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो काम कंटिन्यूअस मास कर रहा है सेम काम को डिसकंटिन्यूअस मास भी कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा कन्वीनियंट, उतना कंपेरेटिव अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस मास के जैसा कन्वीनियंट नहीं होगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना लेंदी होता है, ठीक है। बस यही चीज है यहाँ। अच्छा, ये जो आईपी एड्रेस गिवन है, ये जो आईपी एड्रेस है क्या है, 13th होस्ट ऑफ फोर्थ सबनेट का 13th होस्ट का ये आईपी एड्रेस है गिवन। इसलिए यहाँ देखो रिटर्न क्या लिखे हैं, बाय यूजिंग दिस कंटिन्यूअस मास्क आल्सो वी कैन इंप्लीमेंट सबनेटिंग बट कैलकुलेशंस बिकम्स टफ, थोड़ा इन अनकन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। सो प्रेफर कंटिन्यूअस मास्क, इसलिए हम लोग कंटिन्यूअस मास्क को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अभी जान लो सबनेटिंग का जितना भी पॉसिबल है, जितना पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी को हम बता दिए हैं, क्वेश्चन भी बता दिए हैं, सबका सॉल्यूशन कैसे करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी बता दिए हैं। अब जान लो कहीं से भी सबनेटिंग का क्वेश्चन अगर मिलता है, प्रीवियसर क्वेश्चन रहे, किसी और नोटबुक कर रहे, कोई टेक्स्ट बुक कर रहे, जहां से भी मिलता है वहां से क्वेश्चन सारा बना दो, आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जो भी थ्योरी बताएं, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है एक बार फिर से थ्योरी को रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन बनेगा ही 100% बनेगा, क्योंकि जितना हम वेरिएशन बताए हैं इससे ज़्यादा वेरिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सबनेटिंग टॉपिक में इससे ज़्यादा वेरिएशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, और इस सबनेटिंग हम लोग का यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सुपर नेटिंग क्या है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, सबनेट को अच्छे से रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपर नेटिंग को देखते हैं, ठीक है। फिर पढ़ो अच्छे से।